रांझे, ओए रांझे, रांझे काम मर गयो जाके, अजाब डाल दियो कि यहाँ पे लाके सारा काम करना पड़ता है यहाँ पे। इतने नाचे लोग हैं, हर काम कैसे नाच के करो, हर काम गा के। साहब जी का बड़ा वाला वो दादा बुआ उसका कब्र में उसकी डांगे है, लेकिन गाना गा रहा है मेरा यार बना है दूल्हा, अखे फूल खिले हैं दिल के। भाई तुम अल्लाह तौबा करो, यार बना है दूल्हा, अब इसकी कब्र में फूल पड़ने, इसकी सहरी वाली उम्र है बदतमीज की। एवी खाऊंगा रांझे, ओए रांझे, रांझा रांझा कर दी बंदा दूसरी धोती से काम चला ले, इसमें क्या है? ये तुमने पर्दा डालने की कोशिश की है वैसे। जानू आई लव यू, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किस कदर प्यार करता हूँ। बड़ा प्यार करते, वैसे ये कर क्या रहे थे अभी तुम? ये मैं वंजली बजा रहा था। क्या वंजली? वंजली, यू नो वंजली फ्लूट। अरे जिस तरह का तुम्हारा वजूद है ना, हा? तुम वंजली ना बजाया करो, बल्कि बड़ा पीतल का बाजा बजाया करो। बा, 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 बा। देखो मेरी बात सुनो, मैं रांझा हूँ, सोनी बैंड वालों का लड़का नहीं। अंडरस्टैंड? तुम कौन हो? ऐसी काम का मुझे यहाँ पे लाके मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दिया। क्या अजाब में डाल दिया? आई लव यू, मैं तेरे साथ प्यार करता हूँ। ये क्या होता लव यू? लव यू का नहीं पता? नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जानू। जिस वक्त मैं हंसू ना, हाँ। तुम जरा दाएं बाएं रहना। क्यों? अगर मैंने उल्टा सांस ले लिया ना तो मुंह में ही लग जाओगी। You know this is the understand, I am the Ranja. इतना बड़ा रांझा भी नहीं तुमने कभी देखा होगा। हाँ मैं गुजरों का रांझा। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुमसे ना ब्याह ना करूँ। क्यों जी, क्या क्यों ना करूँ? बस मेरी जब तुम्हारे से मंगनी हुई थी तो तुम थे इतने थे, अब तुम आके यहाँ पे इतने मोटे हो गए। अगर मेरी शादी तुमसे हो गई, मेरी सहेलियों ने कहना लड़का दिखाओ, मैंने कहना लड़का देखो, उन्होंने कहना बीबी लड़का दिखाओ, तुम तो मल्ला दिखा रही हो। ये तो मेरी बेइज्जती कर रही हो क्या? बेइज्जती कर रही हो तो मेरी बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, तो तुम्हारी तो मैं इज्जत ही नहीं करती, तो बेइज्जती का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम उसका गलत मतलब ले रही हो। रहने दो, प्यार करती हो, नाम का प्यार, प्यार तो करता था वो, क्या नाम है उसका, वो मेवाल। हाय क्या इतना प्यारा शख्स था मेवाल, कितना हसीन शख्स था मेवाल। अच्छा, सोनी को अपने पट के कबाब खिलाता, तुमने तो उसकी भी सुन लो, पट के कबाब खिलाता था। उस नाम जी को याद करो, सोनी थी। ऑपरेशन कराया, उसने समझा जी पट के कबाब खिला दिए, मैं भी तुम्हें कबाब खिलाऊंगा अपने टेंट के। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मुझे रांझा रहने दो रांझा, मुझे मिर्जा बनने पर मजबूर मत करो। मिर्जा बनने पर मजबूर ना करो, हाँ। अगर तुम मिर्जा बनोगे तो मैं साहिबा बनने में कौन सा टाइम लूंगी? यू साहिबा बनूंगी, अपने भाइयों के हाथ में तीर दूंगी। टक्का, आजकल भाइयों के पास तीर नहीं है। वैसे आप उनके पास सिर्फ तीर के साथ तुम्हारा बनना भी कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा खंजर देना पड़ेगा, बड़ा वाला। जानू आई लव यू। अस्तगफार, ये क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? और चुप करो, आजकल इसी तरह फंसती है। मर जाओ, मेरे तो माँ बाप ने फंसा के रखा हुआ तुम्हारे। क्या माँ बाप के? ऐसी काम का बेहोशी क्या रहा? मेरी मंगनी कर दी है तुमसे, अच्छा जाओ, भी नहीं सकती। इतना तो मान में ना रहो। मैंने भी कई लड़कियां फंसाई हैं पहले भी। अस्तगफार तौबा, मेरे सिर्फ नसीब सड़े इस दुनिया में और किसी के नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अभी ये पिछले महीने एक लड़की फंसाई थी। कैसे? छत पे जाके दीवार के पीछे खलो के मुंह बाहर निकाल के, बस चेहरे को देख के फंस गई। डार्लिंग ईमान से इस तरह मत किया करो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ। क्या हो गया है? ये क्या कर रही है? जिस घर में लाके रखा हुआ है, हर वक्त वो कहते हैं कि भी नाच के काम करो, गा के काम करो, तुम तो कहते थे शहर में जाके काम करेंगे, ये तो कहते हैं कि नाच गा के काम करो। अगर बंदे ने नाच गा के पैसा कमाना है तो फिर यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? ओहो, यहाँ की एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ आई आज तक कि हमारे साहब जो है ना, वो पता नहीं सुबह सुबह माइकल जैक्सन का नाश्ता करते, वो कहते हर बात नाच के करो, गा के करो, कोई
गमी की खबर है वो भी नाच के दो, कोई खुशी की खबर है वो भी नाच के दो, पता नहीं नाश्ता मांगो रोटी मांगो नाच के गा के मांगो बस। गमी की खबर? हाँ? मतलब है कि अगर कोई मर जाए तो भी नाच के? ये हमारे साहब को परसों बड़ी मार पड़ी वहां से। किस वहां से? हाँ, ये वो सादम का हमारे हमसाये नहीं है। हाँ हाँ। उनका एक आदमी मर गया। हाँ। साहब हमारे कंधा देने गए वहां पे डांस कर दे या उन्होंने पकड़ के बहुत मारा। क्या? उन्होंने कहा हमारा बंदा मर गया तुम लुटिया डाल रहे, बहुत पीटा उन्होंने मां। ओ जो बाबा है ऊपर वो बंदा जो बाबा पूरा से जो गाने का है इनका इनका जो हाँ दादा अल्लाह की कसम वो भी नाच नाच के कहता जी मुझे हर चीज दो। वो अपनी जो उन्होंने रखी है ना नर्स उसको भी कहता है मुझे नाच नाच के इंजेक्शन लगा। हाँ उसने तो नाच नाच के इंजेक्शन सारे दीवारों में मार दी। हाँ परसों उसने कैप्सूल उसकी नासों में दे दिया। अल्लाह की सारी फैमिली को पता नहीं क्या बीमारी हो, कहते जी नाच गा के बस काम करो। तो ठीक है फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे गांव, गांव जाके अपना काम शुरू करेंगे। गांव क्या करेंगे? मैंने सोच लिया एक कारोबार। क्या बात? पता क्या है हमारे वहाँ पे सड़क जो है ना नई वाली बन गई है। अच्छा। मैं सोच रही कि तुम्हारे अंदर डीजल इंजन लगवा के ना कसूर वाली साइड पे चलाया करेंगे। अच्छा। लाना तेरे प्रोग्राम पे मुझे उधर चला दो ताकि मेरे में सवारियां बैठ जाए। अल्लाह माफी दे सड़क भी सारी टूटी है सारे रास्ते सवारी है। ऊपर से पता क्या गांव से लोग आते हैं गन्ने लेके आते हैं पीछे लाद देते हैं सारे। तू रहने दे मैं यही ठीक हूँ। मैंने काम नहीं कर रहा, मैंने गांव जाना अपने पिंड। क्यों भाई कुएं की तुम्हें यहाँ रहना होगा? मैं किसी के प्यो की मुलाजम नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे रहूं। यू आर माई वाइफ। चल मेरी मनती इसमें क्या कर सकता हूँ। भारत तुम रिस्क लो अल्लाह बरकत डालने वाला। ना ओह पहले पहले तुम्हें शर्म आए कि बाद में तुम मेरे साथ गिज जाओ। ना पता सुनो गिज गिज तेरे घर की बीवी। हां तो की मौत पे गई इतना मुंह खोल करके ना हंसा कर क्यों भाई कहां नजर आता है। अंदर ना चली जाना मैंने मेरे मैदे में भी दांत लगवाए मुझे। हां मैं पता क्यों नहीं शादी करने के हक में। हां क्यों बात पता क्या मुझे लगता है डर ये जो होता है ना मर्द। हाँ। ये पता नहीं इतनी इतनी शादियां करते हैं फिर मुझे डर लगता है ये वैसे मर्द इतनी शादियां करते हैं क्यों है? जानू वो इसलिए करते हैं देखो जब एक शादी हो जाती है ना। हाँ। वो फिर दूसरी शादी करते हैं कि देखते कि आगे क्या होता है। वो फिर तीसरी शादी कर लेते वो देखते आगे क्या होता है। वो जब चौथी शादी करते हैं ना आगे देखने जोगा रहता बंदा ना पीछे। कैसी बात है चले क्या हुआ हाथ देखो। अच्छा तुम कितनी शादियां करोगे? मैं इरादा तो मेरा चार शादियों का है हिम्मत एक ही है। तुम कितनी करोगे? तुम मैं इरादा तो मेरा एक ही शादी का है। हाँ। आगे अल्लाह वारिस। हला एक बात तो बता। हाँ। तुम अपना जो है बच्चे कितने तुम्हें पसंद है? बच्चे? हाँ। मैं तो इंशाल्लाह ताला एक अदर बदर बच्चे पैदा करूंगा। क्यों? मुझे गुस्सा ही बहुत है। गरीब आदमी के पास एक ही तो काम होता है। क्या? अमीरों से पता क्यों गरीब आ गए इसी मामले में आ गए? तो मैंने तो शादी नहीं करनी तुमसे। क्यों? तुम्हें तो काम ही और कोई नहीं होगा। तो ना, क्या पा, ना। शादी करा के बंदा काम ना करे फिर। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। इससे पहले कि साहब आ जाएं ये जल्दी से सफाई कर लो नाच नाच के वो पठान के आने का भी टाइम हो गया। अब बड़ा मुखबर है खुदा की कसम मुझे बड़ा जहर लगता है वो। और क्या ऐसे ही चुपचाप लगाता है। करता रहता साहब जिसे जागे तू नाच के काम कर मैं तो नहीं कर रही मैं तो यहाँ पे जा रही हूँ छोड़ के काम। मैंने कह रहा मेरे करना ही नहीं है। अरे नहीं कहीं नहीं जाना तुमने अभी तुम करो। नानी मेरी बात सुनो। नाचो मैं तो आया हूँ। नाचो नाचो तुम नाचो। हम इस म्यूजिक में डांस नहीं करते। तो और कहीं म्यूजिक में करते हो? इधर आओ ना जरा। हमारा तो म्यूजिक की जुदा है। कौन सा भला? हमारा म्यूजिक का स्टार्ट ही ऐसे है। कैसा? ये के ये उड़ने लगे हो? नहीं नहीं स्टार्ट है स्टार्ट पकड़ा। क्या स्टार्ट है? स्टार्ट देखो ये गाना गा रहे हो तुम ट्रक को धक्का लगा रहे हो। सीधा खड़ा हो जाओ नुसरत फतेह अली का दुम्बा। तुम भी आराम से खड़े हो जो बदर मुनीर की कुत्ती।
सुनाओ अपने म्यूजिक। चाहिए टम 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 वाह टम 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 डंग 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 बहुत बहुत बहुत। ये सारा म्यूजिक ठीक था, ये ट्वाइंग ट्वाइंग कहाँ से आ गया? यही तो बहुत अच्छा चीज है, खास चीज है। क्या चीज है? तुम सीधी तरह सुनाओ। अच्छा लगा, थोड़ा सा और करो। अच्छा डम 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 डंग 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 ट्वाइंग ट्वाइंग ट्वाइंग। ओए अब नहीं करना। ओए बॉस सुनो, 10 रुपए का और कर दो। शाबाश है शाबाश, तू पैसे दे दे के मेरी छेड़ बना दे। अब नहीं करना, मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। क्या मुझे तुम्हें इसकी बात का तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। क्यों? ईमान से क्यों क्यों? ये तो पठान है, कौन सा इंसान है? बकवास। इसकी बात सुनो अल्लाह की कसम। हाँ, हाँ। ये एक दिन ना बम लेके फिर रहा था, उसकी पिन भी निकाली। नहीं 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 बता। हाथ में बम लेके फिर रहा, मैंने कहा खान साहब चल जाएगा, कहते कोई बात नहीं दूसरा और भी है। इतना बेवकूफ, ऊपर से इनकी फिल्मों के गाने आम फिल्म का गाना चलता ना उर्दू का पंजाबी का, लोग ऐसे देख रहे होते, गाना चल रहा है, इनकी फिल्म में गाना शुरू होता बंदे ऐसे होना शुरू हो जाते। सीटों के नीचे से गाना देखना पड़ता है, और मैं तो गाना ही इनका देख सकता, मुझसे फोल्ड ही नहीं होना चाहता। बकवास नहीं करना, जाहिल आदमी। अच्छा हम बकवास नहीं करें, तुमने करना। मेरे से ज्यादा बात की ना ये मूछे पकड़ के रेत दे दूंगा। हां मैं तुझे एक बात बताऊं, ये जो पठान है ये मेरे साथ पड़ा, वो शोभा से बातें करता है। क्यों है? बात सुनो, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका बैग तो कुछ भर लगा। अच्छा बैग लाना तुम्हारी जिंदगी में। बैग नहीं, ये मेरा वो है नंगे सर। लगे लगे तर, लगे तर। तो सीधी तरह बोलो लंगूर का बड़ा भाई। हर गल कुठी, हर बात को उल्टी समझ रहा। लंगेतर उसको आती है जो तुम गुठियों पे नाते हैं। हाँ अच्छा लंगूर, सीधी तरह बोलो सुनने आ रहा है। हाँ नहीं लंगूठी, लंगेतर लंगेतर लंगेतर। क्या लंगेतर का नहीं पता? नहीं ये मूछे इतनी जुदा है, तो वह यहाँ से तुम्हें कट्टा चाटता रहा। बकवास बंद करो, और जिक्र में अपना जिक्र जरूर लाना कटा। जे जो तेरा पाया लोका चुन चुनती। तेरी खैर हो गई, अच्छी खासी मेरी पायलों की छन छन है, उसे चुन चुन कर दिया तुमने। ये ऐसे ही करते हैं, हर चीज को खींच के लंबा कर देते। मैं तेरे को बात बताते, खुशी का बात है, मुबारक हो। वो क्या हुआ? तुम मामू बन गए। अरे दफा हो जा, मामू बन गया, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। क्या बात, मेरे गांव में मेरा बीवी क्या बेटा हो क्या? हला। ओ, बेटा हुआ। ओ मिठाइयां लेके आओ, खुशी की बात है यार, सब करेंगे मिलके सारे। क्या तुआएं, तुआएं। अरे दफा हो जा, तुआएं तुआएं नहीं करना, मिठाई मंगाते हैं। मिठाइयां? ओए एक मिनट रुक। क्यों? रहने दो मिठाई। क्यों क्यों? तुम्हारे घर लड़का हूं। तुम तो 3 साल से यहां नौकरी कर रहे हो। जाहिल आदमी। हाँ अब नहीं गया तो क्या हुआ, खतो किताबत तो चलता था यार। अच्छा अच्छा अच्छा, दाल खाने वालों का काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बकवास बंद करो, TCS का बच्चा। अच्छा वो बच्चा मेरा, वो TCS के बच्चे। वो सुना, वो तुम्हारा भाई दुबई से आया? याकूब का सामान लाया भाई, विमान से। लड़कों का सामान लाया, फ्रिज लाया, टीवी लाया, वीसीआर लाया, लेकिन अम्मा ने गलत करा। क्या हुआ? भाई ने फ्रिज खोला, अम्मा ने कहा ना फ्रिज ना खोला। क्यों? कोई मेहमान आ जाते हैं। भाई ने वीसीआर खोला, अम्मा ने कहा ना वीसीआर ना खोला। क्यों? कोई मेहमान आ जाते। भाई के शादी हुए। अच्छा बीवी आया। हाँ। भाई ने घूंघट भी नहीं चुका। क्यों? कोई मेहमान आ जाते। बात सुनो, ये तुम्हारा घर कहाँ? क्यों? मैं जरा मेहमान हूँ। क्या बकवास नहीं करना, बकवास नहीं करना, तुम भी मकवाली करना। बुराक पहले हो देखो। हाँ आप हस्ती है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। हम खूबसूरत और कदरदान है, तुम रीमा हम शान है, ये कुशरा और हम पठान है।
अरे दफा हो जा, अरे दफा हो जा। ये तो बीवी का घूंघट भी अजीब तरीके से उठाते हैं। कैसे? लोग तो घूंघट उठा कर सलामी देते हैं ना, कोई फूल पेश करता, कोई पैसे देता है। ये घूंघट उठा के जमा रतन तरह शुआ पता चलता है, बाद में बीवी को सर्वे स्टेशन लेके जाना पड़ता है। बकवास नहीं कर रहा, किसी टाइम हिसाब आ सकते हैं। इधर डांस करते रहो, समझ जाए हम खेत में बैठे। हाँ ठीक है ठीक है, नाचो नाचते रहो, नाचो नाचो। जानू जानू जो भी काम करना इसी सब में जाके करना, नाचते बगैर बगैर नौकरी क्यों की थी? इतना बड़ा पेट हिलाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? पैसे मिलेंगे। इसी में मैं यही समझा रही थी, मैंने कहा दफा करो, हम जाते जाते यहाँ से क्यों चले जाते हैं? रोज रोज आगे तुम किसी और जगह जाओगे, ज्यादा काम करने पड़ेंगे, बर्तन मांगने पड़ेंगे, 50 काम करने पड़ते हैं। यहाँ रहती हो, यहाँ को काम तो नहीं करना पड़ता, सिर्फ इतना ही है कि साहब के सामने जाके गाना और नाचना है। तुम क्यों नहीं मानते हो? हालांकि तुम्हारा ये खानदानी काम है, नाचो। क्या मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुमने क्या मुझे वहां पे हार बेचते हुए देख लिया? नहीं साहब, मैं नहीं देखा खानदानी, तुम्हें नहीं देखा था, तुम्हारी फैमिली को देखा। अच्छा, अब तुम तो स्टेबलिश हो गए हो ना किसी और काम में। हेलो बाबू जी, एक बात सुने मेरी। आप लोग यहाँ पे बैठे पड़ते घूमते करे, मैं जा रही हूँ जाके काम देख रही हूँ। लेकिन एक चीज देने में रखना, यहाँ कोई ना इसको करे। क्या तुम्हारे को? अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाके हंडिया पकाओ, और हंडिया भी जो डांस करके पकानी है, टींडे है ना इस तरह पकाने हैं, आलू टींडे, ताकि टींडे जो है म्यूजिकल हो। आप खुद ही आगे कर ले। ओके, तुम आलू टींडे और तुम अंदर जाके करो कीमे वाले परौठे। यार मेरी बात सुनो, ये सांप को हमारे क्या बीमारी है, ये क्या चक्कर क्या है, ये क्यों नाच नाच के सारा काम लेते हैं? चक्कर असल में ये है कि इनका जो बाप है ना, उसको हमेशा म्यूजिक से प्यार है। अच्छा, इनकी जो फैमिली है सारी डांस करती है। अच्छा, इनको तरबियत ही ऐसी मिली। कैसे? जब ये अपना स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे ना, तो वहाँ की जो इनको टीचर पढ़ाती थी, वो भी इसी तरह पढ़ाती थी। इनकी टीचर का स्टाइल तो मैंने देखा था, टीचर शुरू ऐसे करती थी, प्यारे बच्चों किताबें खोलो, एक मिनट किताब दोबारा खोलो, एक मिनट ठहरो, एक रजिस्टर खोलो, किताबें खोले। अब तुम्हारे चक्कर में अपनी किताब खराब कर लो। अच्छा कैसे पढ़ाते, कैसे पढ़ाते? अपना बोलो बच्चों, किताबें खोलो, सबक पढ़ो, सदाकत का, अमानत का। प्यारे बच्चों जरा ये बताओ, पाकिस्तान किसने बनाया? बच्चे कहते मैं सुन तो मासूम है, आप बताएं किसने बनाया? मिस कहती प्यारे बच्चों पाकिस्तान हम सब ने मिल के बनाया। बच्चे कहते अगर बनाया ऐसे तो फिर मिटाया कैसे? अच्छा बच्चे, सारे बच्चे अपने अपने कमरों में जाके फिर ऐसे ऐसे करते हैं। बाप कमरा का दरवाजा खोलते जाके था, बेटे क्या हो रहा है? वो चले जाओ पाकिस्तान बन रहा है, और सिर्फ 300 रुपए बन रहे हैं पाकिस्तान, ये इधर हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब पाकिस्तान ऐसे बना क्या पाकिस्तान? अभी कश्मीर नहीं मिला तुम्हारा बना। हाँ तो यार मुझे ना कोई मुल्क बनाने देना यार, तुम अपनी अलग रियासत बनाओ, पहाड़स्तान। मेरा ख्याल है इसका इलाका ऊंचा नीचा उसको सही कर देता। तुम भी गा के नाच के मैं तो गुलूकार है भाई। वो कहाँ गुलूकार है, तुझे तो गाना कोई नहीं आता बेवकूफ इंसान। क्यों? मुझे मैंने कहा कि जाके अपना जो अपना अपने साथ के अब्बा है ना, उनको जाके दवाई देके आओ। ऐसा खाना खराब आदमी वहां जाके गाना नहीं गाया, उन्होंने दवाई नहीं खाई, और उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो। यार इनके गाने बड़े डेंजरस होते हैं, डेंजरस। क्या पता कैसे शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं? इस्दामा करूनिया सड़क बन रही है नहीं? अच्छा वहां जाके ऐसे फिरो, खराब है। एक बात बताओ भाई, आपका शादी हो गया? शादी अभी नहीं हुआ। झूठ नहीं बोल, अभी नहीं हुआ। नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुआ ना। तो फिर ये क्या? नहीं कह रहा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुआ तो तुम्हारा ये हशर क्यों हुआ? ये
आप मामू हो बेहतर बता सकते हो। ये बात भी करो तो गा के करो ताकि साहब की तबीयत खुश रहे। अच्छा साहब को जेल में रखो। यार मेरे को नहीं बताओ, मैं तो गुलुकार है। तू कहां गुलुकार है? तुझे तो कोई गाना नहीं आता। खाना खराब आदमी, अगर मैं तुम्हें अपना गाने का क्यों दूं तो तुम उसको गाना गाओगे? बिल्कुल, जहां से मैं गाना छोड़ू वहां से गाना गा सकते हो। इसको बोलते हैं अंताक्षरी। अच्छा अंताक्षरी खेल सकते हो? अंताक्षरी ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं जहां से गाना छोड़ा तुमने वहीं से शुरू करना। ठीक है गाना शुरू करते हैं। मेरी जान जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे प्यार किया, तुझे देख बस तेरा हो गया, तेरी मीठी मीठी बातों में हो गया, मुझे रात को नींद ना आए, मुझे रात को नींद ना आए कि तेरी पल पल याद सता, बता मैं क्या करूं। ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट, करो दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक नामो सी का लिया करो, करो करो। और उसने गाना में कौन सा था जब सर पे पड़ती तो अल्लाह ही अल्लाह की अलग जहां का आगे हवा आता है। गाना मेरे ये तेरे तुम्हारे बाप का गाना। मैं ये बात साहब को बता के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे हो? ठीक है नहीं, वो आया। अच्छा ठीक है। हां ए वो पे कौन सा गाना आएगा? वेश कौन है दे कंगना सौदाई को जे। ए ये नहीं गाना। गाना क्यों? ये तुम मुझे कह रहे हो सौदाई को जे, ये गलत बात कर रहे हो। इतना बड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। तुम महसूस ना करो। महसूस ना करो अलग अलग ये था। आंखों में बसे हो तुम, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा, जब जाओ तुम्हें यारो आई न बना लूंगा। गा अलिफ 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 से अच्छी, गाव से गुड़िया, जीम से जापानी, तूने लिया एक मुसाफिर पाकिस्तानी। गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, अब करो पू। मेरी बारी तो बड़ा करते थे ना, क्वां क्वां क्वां, अब करो। ये हमारा चेर है। नहीं चेर नहीं, ये गाना का क्यों है? पा 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 पू। ये तुम समझो कि लारी अड्डे में बैठ के लिखा। ठीक है गाय गिनती करो। हाँ गिनती करो, अगर तीन तक तुमने गाया तो ठीक है, वरना तुम हार जाओ। हाँ एक दो दो तीन मेरी जिंदगी। गानों के पठे, ये कौन सा गाना जो पू से शुरू होता है? आजा ये गरीबों की जिंदगी पू से शुरू होती है। क्या पू मेरी जिंदगी है? पूरा गाना गाओ फिर। मेरी जिंदगी है। क्वा, क्वा। क्या बात, तू भी डाल दे। अलग से क्या आता है? अलग से हाँ, अलग से आलू वाला पकौड़ा। और तेल वाला पकौड़ा। ये पकौड़े को अलावा भी तुमने याद किया सबक? और पैसे मैं बताऊं, पठान वाला पकौड़ा। बात सुनो, सुन बदतमीजो, गाओ नाचो। साहब आने वाला है, साहब आने वाला है, इसी शाम का तो बकवास नहीं करो। हलाल करके खाओ अपनी रोजी। हाँ ठीक है, डांस करो, जाओ। देखो साहब तो नहीं आ रहा। में जा रहे, मेरे को लगता है साहब आए हुए। हाँ मैं आपको, देखो साहब तो नहीं आ रहा, डांस करो बस। ला री ला रही ना। एक मिनट भाई, नाचो यार, साहब आ गए। नाचो, ए कौन नाचो? Thank you.
जुआर मां झिलते रहो Everything is okay. Okay. No problem. No problem. Any problem? You tell me. I will solve your problem and try to have your boss. Oh. Gulabi akhar jo dari tak kiya chirabi akhru ho gaya ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में बसा लूंगा सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे मुझे समझ नहीं आई पहले आपने गाना गाया उल्टे होके उसके बाद दूसरा गाना गाया आपने सीधे होके क्या रीजन था यू डोंट नो नो पहले कैसेट का ए साइड फिर बी साइड यू नो दो साइड गाया यस यस क्या तुमको कौन सा साइड अच्छा लगा मुझे बी साइड अच्छा लगा मेरे ख्याल तुमने ए साइड गौर से सुना नहीं एक बार ए साइड को सुनो यू विल एंजॉय सर दफा करे वो हेड खराब करती है ओके कोई बात नहीं सर आपने मुझे बोला था जान लगाने के लिए ओके हमारे आज के तमाम शेड्यूल हो के हाय सर सारे तैयार हैं आपने मुझे कहा था कि शेड्यूल ओके स्टार्ट कर दो उसको आपने मुझे कहा था कि जानवर लेके आना है क्योंकि आपको आदत है ताजा दूध पीने की मैंने एक मिनट ठहर जाओ घबराहट के शिकार मत हो मैंने तुम्हें बोला था कि घर के अंदर हमें के अंदर जानवर लाना है जी और हमको जो है ये पाउडर मोटर का दूध चंगा नहीं लगता है मुझे मालूम है सारे तो आई नीड फ्रेश मिल्क यू नो इसलिए मैं जाके बाजार से गाय लेके आया nice. जी उसको मैंने सहन में बांधा लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गया व्हाट प्रॉब्लम सारी रात में दूध धोता रहा हूँ लेकिन दूध नहीं मिला हाँ जी किधर वो जो गाय नहीं है अपना सहन में खड़ी ये जो इधर जानवर बांधा हुआ है जी बराबर बरामदे के बिल्कुल गाय है जी स्टूपिड क्या हुआ वो गाय है क्या है सर खाना खराब का बच्चा वो तो बैल है खाना खराब बोलता है दूध नहीं निकला सारी रात खुद भी खुआर हुआ है जानवर को भी बेजार किया है स्टूपिड हो तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन बैल है सर थोड़ा सा दूध निकला उसकी मैंने आपको चाय बना दी थी तुमने हमारा जान निकाल दिया एक बात सुनो जी सर हमारे आज के तमाम प्रोग्राम है तुम्हें मैंने बोला था कि एक बड़ा आजकल हालात खराब है और सबका मत का अरेंज कराओ जी सर किए मैंने किया तुमने जी सर मुझे पता कि आपको इलेक्शन लड़ने का शौक है इसलिए मैंने लोगों में ये वबा फैला दी है कि आप जैसा कैंडिडेट हमारे मुल्क में कोई और है ही नहीं मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ते रहे जी मुझे पता हम लोग सब पॉलिटिकल फैमिली एंड म्यूजिकल ग्रुप है जी सर तुम गाय की जगह पे बैल ले आए थे तुम बकरे की जगह पे कुत्ते ले आओ इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि बकरों की पहचान क्या होती है क्या होती है सर तीन चार किस्म के बकरे होते हैं कैसे एक बकरा होता है जो बकरी के पास ही बैठा रहता उसको आप हटाएं उसको टंडवा में छोड़ के आओ वो फिर ट्रेन में बैठेगा फिर बकरी के पास आकर बैठेगा ये कौन सा बकरा है ये ठरकी बकरा ये हर घर में एक बकरा होता है एक बकरा और होता है कौन सा वो बकरा होता है वो समझ लो कि जैसे बकरी मचान पे बैठी उधर जगह भी है लेकिन वो मचान पे उसके साथ भी बैठेगा वो पैरों में बैठेगा ये कौन सा बकरा है ये थले लगा हुआ है जन मुरीद बकरा अच्छा अच्छा ये भी हर घर में एक होता है एक बकरा दूसरे किस्म का होता है मिसाल के तौर पे एक बकरी दो बकरे खड़े अच्छा एक बकरा बकरी को छेड़ रहा है अच्छा दूसरा बकरा खड़ा हुआ कुछ नहीं कह रहा वो कौन सा बकरा हुआ ये कौन सा बकरा हुआ
समझे नहीं? एक बात समझ। दो बकरे हैं, एक बकरी है, एक बकरा बकरी को छेड़ रहा है, दूसरा बकरा देख रहा है लेकिन खामोशी कुछ नहीं कह रहा। एक बकरी और बकरा, बात समझ में नहीं आ रही। मैं समझा दूं, मिसाल के तौर पे तुम अपने आपा के साथ आ रहे हो। जी राइट राइट। तुम अपने आपा के साथ आ रहे हो, आ रहा हूं। मैंने तुम्हारी आपा को छेड़ा, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम कौन हुए? सफा करे, बकरे ही बगैर थे। मैंने सिर्फ समझाया, इस किस्म का कोई बकरा लेना हो तो मेरे से पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा बकरा लाना। नेक्स्ट बताओ हमारे आज के क्या क्या प्रोग्राम। सर प्रोग्राम बाद में बताऊंगा, एक छोटा सा हादसा हो गया। क्या हुआ? वो जो हमारी फैक्ट्री में मजदूर काम नहीं करता था, रहमत जी, उसका मशीन में आके हाथ कट गया जी। हाँ, उसके लिए क्या करना है? रहमत का हाथ कट गया जी, उसका पासपोर्ट बनाओ। अच्छा, उसे हम सऊदी अरब भेजेंगे। सऊदी अरब क्यों सर? हाँ, तुम्हारे भेजेंगे। वहाँ क्यों? वो वहाँ पे जाके चोरियां करेगा। चोरियां? हाँ, चोरियां करेगा तो वहाँ की हुकूमत उसका फिर? वहाँ की हुकूमत चोरों का हाथ काटती है ना जी, उसका हाथ पहले से कटा हुआ। जितने टुंटे हैं सब सऊदी अरब भेजो। कटा हुआ हाथ है, वो क्या काट लेंगे फिर? और जो हमारे जो दूसरे मजदूर हैं जो रिटायर हो गए हमारी मिल से, उनका क्या करना है सर? उनको पासपोर्ट बनाओ जी, जो हमारे हल्के के गरीब लोग हैं उनका पासपोर्ट बनाओ जी, और उनको अमेरिका भेजो, कनाडा भेजो। ये लोग वहां पे जाकर टैक्सियां चलाएंगे। टैक्सियां क्यों चलाएंगे सर? वो तो अपने मुल्क में भी चला सकते हैं। नो नो, हमारी टैक्सियों में और उनकी टैक्सियों में बहुत फर्क। मसलन हमारी टैक्सियां वो थकी हुई टैक्सियां, वहां की टैक्सियां चमकीली, हाथ लगाओ तो सड़क, हॉर्न यूं हाथ रखो पाम, हमारी टैक्सियों के हॉर्न दबा दबा के मर जाओ, आवाज नहीं निकली। आपने देखा लोग टैक्सी के बारे में कितना जानते हैं? Everybody knows about the taxis. You know, वहां की टैक्सियों की हेडलाइट देखे आप, बिल्कुल कायम। हमारी हेडलाइट है यूं, आप लोग एहतियात किया करें ना सर। हम तो एहतियात करते हैं लेकिन ड्राइवर जो है वो मियां वाली से आते हैं। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, 12 ये लोग वहां जाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। हमारा आज का शेड्यूल सर, आपका पहला शेड्यूल ये है कि आपने जाना है यतीम बच्चों के साथ और जाके उनके अपना तकलीफ करनी है उनके सामने, और फिर उनके साथ आपने खाना खाना है। आओ, यस, सियासी मसला है, सियासी मसला। बच्चे जरा अच्छे लेके आना। क्यों? जिनके साथ हमने रोटी खानी है, पिछले बच्चे बड़े कुत्ते के बच्चे थे, उन्होंने खाना खाया और हम पानी पी के हमारे ऊपर कुल्लियां की हुई, जिसकी वजह से हम बहुत बेजार हुए और हमारी जेबों में बच्चों ने कुल्लियां की। सर वो कुछ बच्चे आ गए थे जो अपोजिशन ने भेजे थे। हाँ, इसलिए अपना इस दफा उनको मैं आने दूंगा। ऐसे बच्चे मत लाना जो हमें बेजार करें। okay, बच्चे अच्छे होने चाहिए, शरीफ बच्चे होने चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए और अपने माँ बाप के बच्चे होने चाहिए। अच्छा सर, दूसरा काम, आपने जाना गरीब लोगों में और जाके वहां पे कपड़े तकसीम करने। नो, नॉट ओनली गरीब, गरीब और नंगे लोगों। नंगे लोगों में? नंगे लोग लेके आओ जलसे में, हम तकरीर करेंगे कि हम कपड़ा देंगे। जैसे ही मैं ये लफ्ज कहूँ तुम नंगे लेके अंदर आ जाओ। साहब ये नंगे है, मैं कहूंगा हाँ ये लो कपड़े, ये हमारी फोटो छपेगी, लोग वाह-वाह करेंगे, यार ये लीडर अच्छा है, ये नंगों को कपड़े देते। सर मैं नंगे बंदे लाऊंगा कहां से? मुझे क्या पता, कहीं से भी लाओ। हां सर, कोई नहीं हमारे साथ। मैं भी जानता, घर से लाओ, मुझे नहीं पता। I need nanga peoples, so you will arrange the nangas. सर ये बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं, नंगे लाओ। नंगे कहां से लाओ सर? अखबार चीख रहे हैं कि मुल्क में इतना नंग बना हो रहा है, वहीं से ले आओ। सर लेकिन हमारे साथ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? हम नंगों को पैसे नहीं देते क्या? सर आप तो नंगों को पैसे देते हैं लेकिन नंगे यहाँ पर लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया हमें। कैसे? पिछले जलसे में भी हम नंगे होकर गए थे तो लोगों ने हमारे ऊपर निशानियां लगा ली। अच्छा, जहाँ जहाँ निशान लगा वहाँ टेपे लगा गया, मुझे नंगे चाहिए हर रात। चले सर, इसका कोई इंतजाम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। सर वो आपके अपना अब्बा जो बीमार है। हाँ यार, मुझे याद आया मेरे पापा बीमार है, मरे के नहीं मरे वो। सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक नहीं। Why not यार, क्या हो रहा है ये? क्यों? दुनिया के बाप मर गए, एक हम है जो यतीम नहीं हो सकते। सारा मेरे फ्रेंड्स यतीम हैं, मैं अकेला बाप वाला उनमें बैठ के कितना जलील होता हूं ये मैं जानता हूं। यतीमों को खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं, मिठाइयां मिलती है। हमारे बाप ने हमें सारी सहूलतों से महरूम किया हुआ।
कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई मोहल्ले में तसल्ली देने नहीं आता, यही तो चांस होते हैं। सर अगर आप मायना करें तो डॉक्टर को ले जाऊं आप? हाँ डॉक्टर को बुलाओ, उससे पूछो कि हमारे पापा कैसे हैं, प्लीज यू ब्रिंग ब्रिंग ओके सर मैं डॉक्टर को बुला सेंड प्लीज कम ऑन पापा आई लव यू पापा ऑल द टाइम हो पापा आई लव यू ऑल द टाइम पापा लव यू ऑल द टाइम आई मिस यू पापा ऑल द टाइम सर डॉक्टर साहब मेरा पापा की तबीयत कैसी है आपके बाल मेरे पापा की तबीयत कैसी है आपके वालद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है तुम्हें इस बात की तमीज नहीं है कि हमारे घर के उसूल क्या है हमसे जब भी बात करो नाच के और गा के करो हाँ तुमने किस तरीके से बगैर नाचे गाए बात करी मैं डॉक्टर हूँ को मरासी नहीं हूँ मरासी क्यों नहीं हुई हमारा ये हमारा प्रॉब्लम है मैंने कहा मरासी क्यों नहीं बने क्यों नहीं बने भाई मैं डॉक्टर हूँ तू डॉक्टर बने दुनिया में डॉक्टर धक्के खाते फिर रहे मरासी बन जाते इनकी कमी है क्यों नहीं बने मैं डॉक्टर हूँ मैं डॉक्टर हो तो पैसे लेके बात करते हो तुम हमारे से पैसा लेते हो पाँच हजार रुपए लेता हूँ एक विजिट का एक विजिट के 5,000 rupees हाँ जी तो फिर भी तुम हमारी बात नहीं मानते भाई तो मान तो रहा हूँ मानो और हमें गा के बताओ नाच के बताओ कि हमारे पापा की कैफियत कैसी है कितने पैसे दोगे दोगे मैं तुम्हें 20,000 rupees रोजाना की दूंगा आई हैव लॉट ऑफ मनी मुझे गा के और नाच के बताओ मेरे पापा की तबीयत कैसी है बताओ टेल मी 20,000 rupees डेली यस आपके वालिद को अल्सर है जमाडो जमाडो उनके यूरिन में इंफेक्शन है जमाडो उनको मोती अल्सर आया है जमाडो अरे अपना मुजरा बंद कर जाओ पापा का ध्यान रखो पापा का ध्यान रखो ओके मैं सांस नहीं आना चाहिए सर सर मुझे छुट्टी चाहिए इतनी बड़ी छुट्टी मैं कहां से लाऊं तुम्हें छुट्टी नहीं तुम्हें तो छुट्टा चाहिए देखिए सर मुझे सिर्फ 10 दिन की छुट्टी चाहिए आओ। मेरी बहन की शादी है हा? बहन की शादी है तुम लोगों ने अपने खानदान में ये शरीफाना रिवाज क्यों रखा हुआ क्या मतलब तुम बहनों की शादी करते हो बदतमीज तुम्हें तुमने बताया भी नहीं तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है हम किस काम के लिए बैठे हुए दुनिया में तुम्हें कितनी दफा कहा बेगैरत आदमी नाच के कहा करो आगे जो काम करना नाच के बताओ बताओ उसके गा के बताओ तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम टेल मी नाच के बताना पड़ेगा यस दूल्हा बारात लाया चेहरा भी पहन के आया घोड़ी पे बैठ के आया हो मेरी बहन की है शादी ओ सांवले जी मेरी बहन की है शादी ओ सांवले जी मेरी बहन की है शादी ओ सांवले जी मुझे पैसे चाहिए ओ सांवले जी मुझे छुट्टी चाहिए ओ सांवले जी मेरे प्रेम कर दो सांवले जी ओ सांवले जी दे दो 2,00,000 rupees 2,00,000 क्यों सर 1,00,000 बहन की शादी का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 1,00,000 रुपया तलाक का भी दो सर ये क्या कर रहे हैं आप तलाक का पहले ही कह रहे हैं 2,00,000 rupees का वाउचर बना के इसको दे दिया जाए इसकी बहन की शादी है गो थैंक यू मेरी बहन की है शादी ओ सांवले जी मेरी बहन की है अपना मैनेजर जी सर Where's my secretary? सर वो अंदर रूम में आपका इंतजार कर रही है उसे भेजो ओके सर आई वांट टू सी हर ओके सर Oh my secretary, she's a beautiful girl. I miss you all the time. I love you all the time. Everything is okay. सर मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं सर पापा ठीक है yes, तुम ठीक हो मैं ठीक नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अब मुझे बताओ आने में देर क्यों हुई व्हाट्स योर प्रॉब्लम जान प्यार में आई एम वरीड अबाउट यू सॉरी सर मैं आज लेट हो गई कोई बात नहीं सर मुझे माफ कर दे मैं माफ कर दूंगा सर मैं जल्दी चली जाऊंगी फिर नहीं क्यों सर देर से आई हो तो देर से जाओगी सर
ये आपकी आदत बहुत बुरी है। मेरी आदत बिगाड़ने वाली भी तुम हो। सर आपकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है ना। आप खराब करने आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? मुझे टेंशन दे के बर्बाद कर। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे कितने अच्छे लगते हैं। मुझे मालूम है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सर फिर भी मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी। क्या करूंगी बताओ? मैं आपके लिए कोई बंदा ही मार दूंगी। वेरी नाइस, अपना नुकसान करूंगी। सर सर मैं आपके लिए छांव कर दूंगी अपने आंचल के साथ। तुम अपने आंचल की छांव करोगी? जी सर। हम तुम्हारे ऊपर अपने हुस्न की धूप कर देंगे। सर मैं अपने आपके लिए अपने घर से भाग जाऊंगी। कोई मसला नहीं, हम तुम्हें बरामद करा लेंगे। सर मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी, मैं अपनी जान ही दे दूंगी। कोई मसला नहीं सर, हमें तुम्हारी मोहब्बत हमारी चाहत पे यकीन है। सर आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। सर मैं प्लीज दिल की गहराइयों से बातें मत करो। जमाना देख रहा सर। यस प्लीज। सर आपको बताया जाता है क्या क्या काम है? ओह यस, सेक्रेटरी पहले मुझे बताओ कि हमारा आज क्या क्या प्रोग्राम है। हाँ सर, आपका सबसे पहला प्रोग्राम है कि आज आपका इंटरव्यू है, एक प्रेस रिपोर्टर आपका इंतजार कर रही है। प्रेस रिपोर्टर हमारा इंटरव्यू करेगी? यस सर। सियासत के बारे में? जी सर। वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने ये अरेंजमेंट किया, लेकिन ये हमारा पहला इंटरव्यू है। जी सर। हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इंटरव्यू के दौरान में। जी सर। प्लीज तुम हमें गाइड करना। जी सर। तो हम इंटरव्यू पहली दफा दे रहे हैं, इससे पहले हम लेटर दे चुके हैं, खत दे चुके हैं, पैगाम दे चुके हैं, इशारे दे चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू पहला है। इंटरव्यू लेने के लिए कौन आया? लड़की है, प्रेस रिपोर्टर। जल्दी भेजो, और तो इंतजार कराना गुनाह है। सर वो प्रेस रिपोर्टर है तो लड़की ना। सिर्फ रिपोर्टर, आपको सिर्फ इंटरव्यू करने आ रही है। ओह यस प्लीज। हां मैं सर उसको बुला के ले। पायलट इंटरकॉम पे कहो, इंटरकॉम पे कहो। ओह यस यस। The first interview from my side. Hi. Assalamualaikum. Oh. Please. Thank you. You're welcome. Sir, मैं आप पर कुछ लिख। आराम से बैठे, खुल के बैठे, खुल के बैठिए, खुल के बैठिए, आराम से। सर. कोई मसला। सर. क्या हुआ? क्या हुआ है कुछ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे क्यों हुआ पता नहीं। पता करके आओ मुझे क्या हुआ। जाओ सर, काफी देर के बाद आना, पता करके आओ। जाओ सर, वो आपका इंटरव्यू करी। वो सरकार पहला इंटरव्यू नहीं, इसलिए वो थोड़े परेशान। मुझे मालूम नहीं है इंटरव्यू कैसे करते हैं, समझे शायद ऐसे ही करते हैं। मुझे इंटरव्यू का पता ही नहीं है, बिकॉज़ आई एम द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। सर मैं आप पर कुछ लिखना चाहती हूँ। मेरे ऊपर? बिस्मिल्लाह। सर 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 ये मैं मेरे ऊपर लिखना चाहते हैं तो क्या है, लिख ले लो। नई कमीज ले लेंगे, नई कमीज ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, कोई मसला नहीं, आप शुरू करें। नहीं नहीं, मैं आपकी शख्सियत पे कुछ लिखना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा जी, देखा कहाँ हूँ मैं? चरपाई। खुदा की कसम चरपाई पर। हालांकि हमारे घर में बड़ा वाला तखत भी था, लेकिन उस वक्त वो मसरूफ था, तखत वाले साहब बैठे हुए थे, तो मैं चरपाई पे हुआ, चरपाई पे है पैदा हुआ। इसमें क्या हैरानी की क्या बात है, चरपाई पे लोग पैदा नहीं होते यहाँ पे। मैं चरपाई पे पैदा हुआ, बड़ी अच्छी चरपाई थी, बड़ी अच्छी नई चरपाई थी। नहीं आप हैरान क्यों हो रहे, क्या आपका क्या मतलब है मैं किसी टीले पे पैदा हूँ? मैं चरपाई पे पैदा हूँ। कौन से इलाके में हुआ जी? हम कहाँ पैदा हुए थे जी? सर मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी, हम पैदा हुए अब तो हम हो नहीं रहे, हमारे मजाक रात हुए फिर हम पैदा हुए। मजाक रात वो किसके साथ? वो मेरा मतलब मैं पैदा होने से पहले मैं जानना चाहता था मैं कहाँ पैदा हुआ। इसलिए मैं पहले ईरान में पैदा हो रहा था, फिर मेरा इरादा मुंतवी किया, फिर मेरा मसला बांग्लादेश में बना, मैंने कहा सैलाब बहुत आते, फिर मेरी तबीयत के मुताबिक मुझे पाकिस्तान शूट कर गया। अच्छा, तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ जी। मैं जड़ावाला में पैदा हुआ। जड़ावाला? ये जड़ावाला आप इधर आएंगे ना थाईलैंड से, थाईलैंड से ऐसे टर्न करेंगे ना उल्टे हाथ में,
तो छोटा रेलवे का फाटक आएगा। इसके साथ ही सरगोधा रोड है पिंडी पटिया। पिंडी पटिया आपने देखा? पिंडी पटिया पेरिस का जंक्शन है। आगे जाएंगे तो इधर ही है अपना जड़ा वाला आरिफ वाला के बाद। जी जी जी। आरिफ वाला के बाद जड़ा वाला। अच्छा, मैं वहीं पता। आई वाज बॉर्न ओवर देयर। जड़ा वाला नियर टू थाईलैंड। अच्छा, क्लोज टू आईलैंड। अच्छा सर, ये बताइए सर, आपके पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? जी सारा मोहल्ला ही नाच रहा था। सारे मोहल्ले को खुशी थी क्योंकि मैं खुद हैरान था मोहल्ले वाले क्यों खुश हैं। सारे मोहल्ले ने लूटी डाली है मेरी पैदाइश पे। एवरीबॉडी वाज हैप्पी। माय फादर वाज सरप्राइज्ड। ही सेड व्हाई एवरीबॉडी व्हाई एंजॉयिंग दिस सेलिब्रेशन। आपकी पैदाइश पे? मेरी पैदाइश पे बड़ा झगड़ा पड़ा। अच्छा, फिर कुरंदाजी हुई, फिर मेरे बाप का नाम निकला। जी सुनो, मैं लाडला था। आई एम लाडला। अच्छा अच्छा, सर को मजाक करने की बहुत आदत है। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात ना लिखिएगा। एक्चुअली मैं तो छोटा था। आई वाज जस्ट चाइल्ड। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन द डैम। आई वाज चाइल्ड। या दैट्स राइट। सर मैंने सुना है आप औरतों को बड़ी जल्दी मुतासिर कर लेते हैं। जी हां, औरतों का मेरा प्रॉब्लम यह है कि देखिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं और का मेरा मसला क्या है कि मिसाल के तौर पर खातून आए, मैंने उनकी इज्जत करनी, उनका एहतराम करना, स्टाइल है दुनिया के बदरुम वाले में औरत का एहतराम करने का, ऐसे करके। ये क्या होता है कि ये तरीका अख्तियार है। इसके अंदर क्या होता है कि औरत का एहतराम करना इंतहा जरूरी है। एहतराम करने से क्या होता है, हम वो लोग नहीं है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जो औरतों को छेड़ते हैं। अस्तगफार, मैंने आज तक कल जिंदगी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। हम वो लोग नहीं है कि हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, ऐसे करके बैठे। और सुनाइए क्या हाल है? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे काम पे। हम वो लोग भी नहीं है जो किसी औरत को कह दे आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आपकी आंखें कितनी प्यारी है, बयान कितनी सुंदर है। नहीं, हम वो ठरकी नहीं है। हम औरत का एहतराम करना जानते हैं। अल्लाह माफ करे, हम तो वो लोग हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हम वो लोग हैं। हम अपना काम भी कर ले और किसी को पता भी ना चले कि उसके साथ क्या। मेरा मुस्तकबिल क्या है कि मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा म्यूजिकल चैनल ओपन करना। पाकिस्तान को सेट लाइफ के ऊपर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वेरी गुड। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय कल्चर एंड म्यूजिक एंड यू नो कल्चरल एक्टिविटीज, ये मैं सेट लाइफ पे लाना चाहता हूँ। वेरी गुड। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय कल्चर एंड म्यूजिक एंड यू नो कल्चरल एक्टिविटीज, ये मैं सेट लाइफ पे लाना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ और हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से। अच्छा, इसके लिए परसों हमारी बहुत बड़ी पार्टी भी है। टुमारो और यार बिग पार्टी, एक सेलिब्रेशन है चैनल की ओपनिंग के, एग्रीमेंट साइन होंगे उसके लिए। यू नो तीन चार ममालिक से हमने कोऑर्डिनेट किया है, तो उसमें आप भी आइएगा ना, उसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। और दूसरा ये कि हम उसमें नए फनकारों को चांस देंगे। सर मुझे भी वैसे बहुत शौक है गाने का। खुदा शौहरत आने वाली है। इंटरव्यू पूरा हो गया? हाँ, इंटरव्यू होने वाला है अभी। इंटरव्यू हो रहा है, हो रहा है। हाँ, आपको गाने का शौक है? जी बहुत। कुछ बताए ना अपना फन जगाए। मैं फन जगाऊं? प्लीज कम ऑन। हाँ, आपसे कह रहा हूँ भाई। मत शर्माओ।
सर गाना सुना रही हूँ, गाना गाना सुनाओ प्लीज कमान। जरूर आइएगा प्लीज, और यहाँ आके हमारे जो अपना पार्टनर्स आ रहे हैं ना, तो उनके साथ प्लीज आप आके बातचीत कीजिएगा जी। हाँ, उनको कवरेज दीजिएगा पेपर पे, इस तरह हमारे चैनल को पब्लिसिटी भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके थैंक यू, सो नाइस। माथा चमक रहा है, आपको शहरत मिलेगी इंशाल्लाह, आपको शहरत मिलेगी, हमें औरत मिलेगी। आइए सर, ये आप क्या चवले मार रहे थे, ये आप उस लड़की को लाइन दे रहे थे, आपको पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम उससे प्यार करती हो। सर मैं आपको टोटे कर दूंगी। मैं बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मेरे टोटे हो जाएंगे तो मैं 5-6 और तुम्हें तकसीम हो जाऊंगा। तुम मोहब्बत करती है तो क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ? आई लव यू लगातार, मैं तुमसे लगातार मोहब्बत करता हूँ। सर सर आप कितने अच्छे हैं ना। ठीक है, मुझे कितने पैसे चाहिए वो बात करो। सर आपने जो मेरे पहले पैसे नहीं वो तो वापस कर दे। बदतमीज, हम तुम्हें लाखों के अंदर तोलते हो और तुम हमारे से इतना बोलती हो। सर एक बात सुनो। जी सर। हमारी गाड़ी का अरेंज करो। जी सर। मर्सिडीज निकलवाओ, डबल बम्पर वाली। और नहीं सर, मसला हो गया सर, आप इधर खड़ी है। जलील आदमी, तुमने हमारा टोटल लॉस कर दिया। हम इधर खड़ी नहीं है, हम खड़े हैं। बदतमीजी मत करो, मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि जो भी बात किया करो, नाच के और गा के बताओ क्या मसला है। अच्छा सर, सब बात ये हो गया कि गाड़ी पकड़ गया, पुलिस वाले ने पकड़ा, चालान किया। नाइस, पुलिस वाले को तुमने बताया नहीं कि हमारी गाड़ी है। मैंने बताया था, नाच के बात करो, वो छोड़ दो, बताओ। मैंने उसको बताया था। हाँ। वो तो समझा ही नहीं। समझा नहीं? नहीं। उसको हमारे पास भेजो। अच्छा। भेजो, से बाहर है वो। हाँ सर, बाहर। मैं लेके आया। सर हम आपकी गाड़ी। सर सॉरी। ओए ठहरो, जल्दबाज पठान ठहर जाओ। अच्छा। तुमने तमाम गैर मुल्की दोस्तों को दावत नामे भेज दिए जी, सबको, तमाम होटल में अरेंजमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, जा करके तमाम पार्टी का अरेंजमेंट कर दो। ओए पुलिस अफसर को अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब जनाब, पीछे हट के बात करो। तुम्हें यहाँ किसने लगवाया थाने में? जी जी आपने। फिर नहीं, लेकिन वो गलत। और लेकिन किसे बता रहे हो? लेकिन वो गलत है। हम इसमें लगवाया इसलिए कि हमें सहूलतें मिलेंगी। जी जी जी, हम सियासी लोग हैं जी, हमें अपने थाने में बंदे चाहिए होते हैं जी। तुमने क्या हरकत करी? लेकिन वो सर गाड़ी को एक साइड पे लेके जा रहा था मैं। मुझे जो कुछ भी बताना है ना, नाच के और गा के बता रहा है। सर मैं कैसे नाच सकता हूँ? कैसे नाच के? लोग अंजुमन को नहीं देखा, रीमा को नहीं देखा, नरगिस रेशम को नहीं देखा, किस तरीके से रक्स करती है लोग? कि मैं आके बताओ क्या हादसा हुआ है। नहीं सर मैं कैसे नाचूंगा? तो मैं डीएसपी साहब से फोन करके बात करता हूँ। नहीं नहीं, कमाल लग रहा था। नहीं नहीं सर मैं बता दूं। हाँ बताओ। आपकी गाड़ी पकड़ी गई। चुराया। हेलो
हेलो डीएसपी साहब, कोई दरवाजा नहीं है यार। आपने कैसे पुलिस वाली भर्ती की? मेरे घर में डांस कर रहा है आपका आदमी। जी हाँ, डांस कर रहा है यहाँ पर सब। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी छोड़ दो और कोई शर्म करो। किस महकमे में और क्या कर रहे हो? सर आपने कहा तो मैं जो भी कहूंगा वो करोगे क्या? नहीं सर, आपने लगवाया था ना। नहीं लगवाया तो क्या हुआ? कल यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी है परसों। अच्छा, पार्टी का अरेंजमेंट करना है। जी जी, सब कुछ देखना है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा यू नो फॉरनर आएंगे। जी जी, वो क्या समझते हो ना? हाथ का इशारा देख रहे हो ना मेरा? समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है? जी 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 जी, ये ग्राई पार्टर का भी यहाँ अरेंजमेंट है। ठीक ठीक सर, ठीक है। किसी के मुंह मुंह सूंघने शुरू ना कर देना। ओके, नहीं नहीं, तो अरेंजमेंट करो पार्टी का। ओके ठीक, थैंक यू। सारा अरेंजमेंट करके मुझे बताओ। ठीक ठीक, सारे अरेंजमेंट करके मुझे बताओ। मैनेजर। यस सर। कम हियर। यस सर। सारा अरेंजमेंट हो गया? सारा अरेंजमेंट हो गया सर। पार्टी अरेंजमेंट हो गया? सर मैंने बाहर केले के दरवाजे लगवा दिए और गाड़ी एयरपोर्ट भेज दिए। केले के दरवाजे? सर वो खूबसूरती के लिए। ओके, डेकोरेशन हो गई? सारी डेकोरेशन हो गई। पार्टी का कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। नाउ ओके सर, एवरीथिंग इज ओके। ओके जी, मैं तैयार होके आता हूँ। ओके सर, तुम सारे इंतजाम मुकम्मल करो। ओके सर। ओ शरबत है, फलात भी मैंने मंगवा लिया सर। नाइस नाइस। रंजे, सारे इंतजाम हो गए मुकम्मल? सारे इंतजाम जी, बाहर से सब इंतजाम मैंने मुकम्मल कर दिए। वो जो पेटियां मैंने तुम्हें दे दी वो कहाँ रखी है? और शरबत फौलाद की? हाँ वो मैंने हीर को दे दी, वो संभाल के रख ले। यार क्या कर रहे हो, अनपढ़ औरत है, उसको क्यों दी है? नहीं नहीं, अगर किसी नौकर को देता ना तो हो सकता वो पी जाता। राइट, इसलिए मैंने उसको दी है। अच्छा अच्छा किया, अगर वो कम पड़ जाए ना फिर मुझे जल्दी बता देना ताकि उसका और इंतजाम हो सके। हाँ हाँ क्यों नहीं। शरबत का तो पता नहीं फौलाद में काम दिखा दिया। ओए गरीबो, चाना सूखी रोटी खाना ले। अगर चाय के साथ सूखी रोटी खाई होती तो ये हालत होती? हेलो हेलो, टुन बाबा टुन, टुन टुन, प्यार की धुन धुन धुन। ये क्या किया तुमने? कौन सा ये? ओए यार, ओ कौन तुझे कौन? क्या हुआ, मुझे नहीं पहचान रही? माशाल्लाह, गालियां निकाल दो उसमें से, चार पांच धो के मुझे निकाल दो। धो के निकाल दो इसलिए कि तुम ख्याल करो मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। मंगेतर से मंगी मंगी टूट गई। एक बोतल पिए तो मंगनी टूट गई, अगर दो पी लेती तो मंगनी फीती फीती हो जाती। कैसे क्या कैसे कैसे टूटी मंगनी? टूट गई। मंगनी की खैर है लेकिन टूटी खूब है। ओए मैं दिल पर की कर रहा। क्या तेरी शक्ल साडी खाला नाल मिलदी है? तुम्हारी खाला के भी मूछें आती थी? मूछ कितने मूछ? मूछ 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 नहीं तो कुछ नहीं। मुझ नहीं तो कुछ नहीं? नहीं तो मुझ रख के भी कुछ नहीं। शुक्र है यार, ये नशा तुमने मेरे लिए किया है। कितने मुझे दिखा? ये देखो मुंह के ऊपर यहाँ आ रही हल्की हल्की आ रही है, अभी लड़का भेजा हुआ मैंने, वो लेके आ रहा है। आप मुझी? हाँ मुझ मुझ पागल करने गोड़े से मुझे रखी। गोडा यहाँ नहीं, यहाँ होता है, ये है गोडा। पागल दा पुत्र वैसे लगता भी तो सिर लो है। ये नशा तुमने मेरे लिए किया, सारी फिटिंग पुट्ठी कर दी तुमने। इधर आना, ये मेरे कान में दर्द हो रहा है। अच्छा पागल दा पुत्र है। अब तो पास तुम्हारा कान। अरे पागल ही पागल, अपने पैर में कान कहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतने में ज्यादा का स्टेशन ठीक पकड़ती हो? पता नहीं क्यों यार, मैं जुकर एंड कर।
मत अस्तगफार इतनी सूजी हुई तवायफ। और बात सुनो, मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचूंगा। क्यों नहीं नाचोगे? मैं मर्द हूं। कितने गया? तो ये भी कोई बाहर से आके बताएगा? तू मर नहीं, तू एक औरत है बेचारी मुस्कीन नहीं जे असी मर्दा। हां जी, हम मर्दा, ओ मर्दा इधर आ कबड्डी खेलिए। ओए नशे में है तुम, कौन से? मैं तो नशे में कबड्डी खेल रहा हूं। पागल प्राणी, तू साइड से तो बाहर करती हो गई। और नाच नहीं, ये नहीं नाचेगी। क्यों? ये रात की थकी हुई है, भाग गई है, दरवाजे में फंसी रही है। सही कह रहे हो। हाँ। तो बार प्रति मुझे करके थक गई है। अतलान बजो। एंकर, तू नाच नहीं। मैं भी नहीं नाच सकती। क्यों? मैं किसी के घर बैठ गई हूँ। ओए नाचो। और मुझे किसी का बाप नहीं नचा सकता। माँ तो नचा सकती है। हाँ बाप, नाचो। ये हमारे घर में नाचने से किसने इनकार किया? ओ भाईजान, मैंने तो वजू भी ऐसे किया है। किसने कहा कि वो नहीं नाचेगा? मैंने नहीं कहा जी, मेरे तो कूल्हे भी दर्द करने लगे हैं। और पैसे लेके मुजरे कर रहे हो, पैसे लेके मुजरे करने वाले हो। लानत तुम्हारी मर्दानगी दे। तुम बुरा ना मानो, मर्दानों के हो। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? इसने सर वो शरबत औलाद पी लिया। बदतमीज, इसे शरबत औलाद पिलाना था। हेलो, कौन है? हाँ? कौन है तू? पहचान ले तो तुम्हारा। आएंगे? हाँ, आएंगे। किस तरह? नच नहीं। नच नहीं। मैं नहीं नाच सकती, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। अरे तू कल मुझे ना शुरू करे। और ना हो मेरे के सारे मूड खराब हो जाए, तो ऐसी हमें चुप कर आ जाइए। ये अच्छा इरादा है। किसे कह रही हो बेवकूफ? वो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। अमीर? हाँ। ओए तू अमीर है? जी। हालात तो अमीर हो, और गुस्सा खाने से तलक के मर जाने वाले हो। हम गुस्सा खाने में कई मरतबा फिसले हैं, जिसको कैसे पता? सर, एक आंख अपने गुस्सा खाने में रखी हुई। सारिया बढ़िया खाना सुनिए, असली बेगरमिया। और अंकल, तू मुझे शुरू कर, तू जाके मोतिया दे हार ला के। माशाल्लाह, ये वैसे बात है, इसने बंदा सही पहचाना। आप मुझे ना करेंगे तो मोतिया के हार लेके आएगा और मैं कापियां ले आऊं। बस तमीजी मत करो, इसे अंदर छोड़ के चल, अंदर जाओ। सुन रहे ऐसे मुझे मैंने नाचो। क्या कर रही हो ही तुम? चलो इधर आओ, अंदर ले गए। नाचो। लो चलो। और देखिए जी औरत की ताकत, जदो चावे जिथे चावे जे मर्जी मर्द नू ना जा दे। आ बकरी। थे वो छुप गए, हमें काहे का डर है? इंतजाम तमाम कंप्लीट हो गए हैं जी सर? सब कंप्लीट हो गए। गेस्ट आ गए हैं? गेस्ट आ गए हैं? गेस्ट आ रहे हैं सर। मैं अभी चौकीदार से पूछता हूँ कि अगर आ गए तो सबको एक एक करके बताओ। सबको लेकर आओ, और कोई पार्टी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर मैंने वेटर नहीं मंगवाए। वेटर्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छी तरह सर्व करें। लो सर, पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वेटर्स होते हैं। हाँ जी, वेटर्स अच्छे बुलाए? अच्छे बुलाए सर। उन्होंने सारा पार्टी का, बहुत सारी पार्टी उन्होंने पहले भी अटेंड कर ली। बुलाओ बुलाओ, पहले चेक कर ले। आओ। Thank you.
ये इस तरह ही देगा सर। सर इस तरह तो ये पार्टी बहुत अच्छी होगी। मेरा ख्याल सर बनाते बनाते उसको वो ना, आप तो समझते हैं सर। ध्यान रखें आपकी क्या मतलब हो रही है। ओके सर, आई एम सॉरी सर। ओके जाकर जा के सारे मेहमानों को एक एक करके आप इंतजार करें, इज्जत के साथ में कराओ। ओके विद प्रोटोकॉल। बदतमीज लोग आइडिया नहीं इनको। आइए प्लीज आइए। ये हमारे प्रेस फोटोग्राफर है। हेलो, इधर ही बैठो। आपने क्या करना है आपको पता? जी हाँ, मैंने आपकी तस्वीरें बनानी है। हाँ? तस्वीरें बनानी है आपकी। मेरी नहीं, मेहमानों की। हर मेहमान की एक फोटो बनानी ताकि अखबार में दी जा सके। ठीक है। ओके ओके। कोई मेहमान मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ओके। तुम मोजस मेहमानों की तरह नहीं बैठना, सोफे के पीछे आ जाओ। तुम जिंदा तो हो? बिल्कुल। आर यू श्योर? Yeah. मुझे खत लिखते रहना। ठीक। खड़ो जाओ। आप क्या लेंगे पहले? कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, समोसे, पकौड़े हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भैया, आप ले लो। आपके लिए कोक आएगी जी, आपके लिए सदा पानी आएगा। आप उसको गौर से देखिएगा, वो कोक बन जाएगी। कोई और मेहमान आए तो उनका दरपेश करो, देर मत लगाओ। आप ठीक ठाक है जी? अल्लाह का शुक्र। आपने कवरेज पर शेठ खाम खाए। ठीक, सब खैरियत है जी? बच्ची भाग गई थी, वापस आ गई? नहीं, चलो अल्लाह और दे। अब वहां आगे चले जाए प्लीज। सब सेठ कुत्ते वाले आओ। सेठ कुत्ता वाला भी आ गया जी। बुलाओ। कैसे सेठ कुत्ता वाला? सेठ कुत्ते वाला हमारे कुत्तों के फॉर्म है जी। मैं ये कुत्तों के बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं। सेठ कुत्ता वाला प्लीज हैव सीट। ओ थैंक यू थैंक यू। बैठिए ना, बैठ के सीट रखें। ये सेठ कुत्ते वाले हैं, कुत्ते के बच्चे। कुछ है आपके पास? जी जी, हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसमें कुत्ते और कुत्ते के बच्चे इकट्ठे नशोनुमा पाएंगे। अच्छा अच्छा, इनका बाप कुत्ता सुबह लेके निकलता है और शाम को घर आता है। ये आपकी जो कुत्ता फैमिली है, ये हाउ मेनी कुत्ताज यू हैव? असल में हमारे वालिद साहब कुत्तों से प्यार बहुत करते थे। मैंने देखा है आपको उस दिन भी चूम रहे थे। आपने कुत्तों के बच्चों का काम क्यों किया? आप इंसान के बच्चों का काम कर लेते? असल में कुत्तों से हमें प्यार ज्यादा था, इसलिए। कुत्ता वफादार जानवर? जी जी। कुत्ते, कुत्ता वफादार जानवर है? जी जी। नाइस, थैंक यू वेरी मच। आपके बच्चे कुत्ते लाइक करते हैं? आप कुछ पिएंगे? कुछ भी मंगा ले। जाए फटाफट पी के आ जाए, अभी तकलीफ शुरू नहीं हुई। इनकी तस्वीर में आप छठ कुत्ता वाले की तस्वीर। जनाब 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 जी 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 जी, बैठे तस्वीर रखे और सारी तकलीफ का ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी की। ना जी ना, मैं आ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। सारे थने लगा दिए। क्यों लड़ रहे हैं आप? मुझे वहां ले जाके पूछ रहा है, कोई लड़कियों वड़कियों का इंतजाम है? बताया कैसा बेगैरत आदमी है, एकदम पूछ लिया। Actually,
शालीमार एक्सप्रेस में काम करता हूँ। ऐसे चलता है जरा ट्रेन के स्टाइल। सर मैं भी और अरेंज करा देता हूँ आपके लिए। जी जी टी वगैरह यू नो यू वांट टू जी आप क्या रहेंगे बताते जाओ। सरदार जी कनाडा से आए। छोड़ो छोड़ो सरदार जी तशरीफ लाओ। सरदार जी क्या ये मेरे दोस्त हैं सरदार रतन सिंह। अच्छा अच्छा ये हेलो इज केम फ्रॉम बैंकॉक। अच्छा अच्छा या वेलकम। बड़ी खुशी हुई जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। वेलकम ਐ ਕੌਣ ਆ? ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਾਂ ਯਾ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਕੇਲੇ ਆ ਗਏ? ਓਏ ਸੂਈ ਤੇ ਸੂਈ ਚੜ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ ਪਾਪੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਓਏ ਬੰਤੋ ਓਏ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ खुश कर दिया सरदार जी। भावो तो कमाल है। सरदार जी मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਐ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਇਆ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਸੂਈ ਤੇ ਸੂਈ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੋ ਭੁੱਲਣੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਬੜੀਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਆਹ ਬਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਬੱਲੇ ਕੀ ਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬੰਦੋ? ਆਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਪੋਪਟ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓਏ ਬੰਦੋ ਹਾਂ ਜੀ ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਪਟ ਕਿਹਾ? ਬਣਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਆ ਜੀ ਇੰਜਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ फोटो हो जाए कुछ मेरा ख्याल है बाबी का फोटो एक मिनट जरा ओ बंतो। हां जी इस तो पहले भी तेरे ना किसी ने फोटो लवाई आ? बड़िया ने लवाई आ। अल्लाह कड़ी नवी गल आ। आपकी जान तो भाभी के साथ एक फोटो। ओ बोझ राज राज के बड़ा जरा प्लीज इधर देखिए आप इधर देखिए इधर देखिए सदा जी आप कहीं और देखिए ठीक है ये जरा पोज अच्छा करके बनाना ये पोज हमने पॉलिश वाली पेटी पे लगाना बेटे उनकी फोटो बनानी उनका इंजन नहीं खोलना गल भूल जाएगा फोटो बनाओ खिंचवा लो भाभी और टैंक ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਈ ਆ? ਬੜਿਆ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ। ਹਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ? ਚਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਵਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਭਾਈ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਵਾਉਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਧਰ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾ ਆਪ ਇਧਰ ਆਏ ਆਪ ਇਸ ਅਸੋ ਚਲੋ ਵੀ ਖਿੱਚੋ। नहीं नहीं साहब मैं खुद बनाएगा एक्शन आप रेडी बोलो। चलिए रेडी हो।
खाना खराब, स्टिल फोटो बनवा, तू तो मूवी बनाने ले जा रहा है। ये बंतो, हाँ जी। इस तो पहले भी किसी पठान ने फोटो बनवाई है। बड़े ना बनवाई है। हालात कड़ी नहीं ला लिया। बाबू एक फोटो। तेरी जरूरत की भी तेरी जरूरत की में होइया तू मेरी वोटी नु हाथ लावे। ओ सरदार जी, मैं तो अपनी बहन समझता हूं उसे। ओ बंतो, हां जी, इस तो पहले भी तन्नू किसे ने भैन किया? भैन किसे ने नहीं आख्या। ओए सी भैन लेके फिरन दे ओए, सी भैन लेके फिरन दे ओए। बहुत तो मेरी मशहूर कर दे। ओए मशहूर कौन है तेरी? मेरी ते वोटी का मेरी बात सुनो, यहाँ पार्टी हो रही है और तुमने समझ नहीं रही हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम नाच नहीं। ओए कोई दाढ़ी वाली भी बाई होती है। ओ यार क्या ये मुल्क यार, ऐसे बुढ़िया ने दाढ़ियां क्यों रख ली है? लाली तेरे बस कर दे, जान दे। खुदा के लिए क्या कर रही हो? लेके जाओ उसे। अमीर लोगों की पार्टी है, मारेंगे। अमीरों की पार्टी है? यस। हालत अमीर हो और कार पार्टियां देके पुंडी करा रहे हो। और क्यों मेरी इज्जत खराब कर रही हो? मैं गरीब आदमी हूँ। कौन गरीब? मैं गरीब हूँ। तू गरीब है? हाँ। रुप के मर जा। अरे तू गरीब हो और मारी कमेटी मशहूर नो खाने रहे हो। वो साढ़े तो बड़े बड़े पाए हैं भाई। अरे बगैर बगैर ये इनका इंतखाबी नारा है। बंतो, हाँ जी। इस तो पहले भी मैंने किसी ने बगैरत किया? बड़े ने किया। हला कड़ी नवी गाल ले यार। माशाल्लाह। आप बैठे प्लीज, हैव सीट। आप इसलिए रखे ना। थैंक यू वेरी मच सर। जापान से भी मेहमान आ गए। हाँ? जापान से। हाँ, जेड़ी चीज फसी है अंदर जाके काट ला इसमें। जगह दीजिएगा इनको। आप उठ जाए, आप यहाँ के रहने वाले हैं ना? आप उठ जाए, आप आ जाए। अपना आप भी फॉरनर है? यो आपको बात छोड़ दे। मीट माय वाइफ। Yes, this is, you are, come along. No, my wife. Yes, this is your wife. Yeah. Please give me. No. Tab ye cheek na yahan aaye. Please have sofa. Aao, aao, punje bithao. Please. Bani da kya hoya? राजस्थान से आए। हेलो नारायण जी। राम 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 राम। वेलकम टू आवर कंट्री एंड आवर हाउस पार्ट। थैंक यू। हमारे साथ एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा हुआ है भैया। कहा हुआ? कस्टम वालों ने हमें बहुत तंग किया है। अच्छा। हमारा पिस्ता बादाम काजू सब कुछ निकाल लिया है। अच्छा। हम बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्री बचा के लाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाभी जी है? सेठ कुत्ता वाला उठिए। आप कुत्तों वाली जगह पे चले गए। पहला
क्या पीछे हार जाओ मेरी बारी यार बारी बारी आओ बारी बारी आओ हमारा पाया लागू भाभी पाया लागू पाया चलो अपनी बारी लो ओ मैं भी गले लागू हम पाया लागू बल्कि ताड़ लागू ताड़ लागू फिर हम तड़ा ताड़ लागू आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया राम 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 भाभी जी के साथ एक फोटो हो जाए आए भाभी जी आए भाभी जी के साथ फोटो बत्तियां बंद कर दे ये क्या बात कर रहे हैं बाबा सर तस्वीर बनाए मूड ना बनाए स्मार्ट प्लीज प्लीज बेटा आए हैव सोफा नारायण जी हैव सोफा आप यहाँ बैठे तशरीफ रखे आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ हो मुझे बता दिया आपने राम 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 हमें कोई तकलीफ नहीं है उधर आके नारायण जी एनीथिंग यू नीड जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नीड 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 She's my secretary. Narayan ji and his missus. Hi. Sardar ji, his missus. Miss Adi. Whoa! Johnny. Chapa, chap. Jump, 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 jump. Sid Khamkha. Sid Khamkha. Sid Kuttewala. And she's my secretary. Very good, very good. Dog, 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 dog. Oh, yara. Oh, batariyum. हम दो लेंगे हमारे करेंसी का रेट ज्यादा है ना एक्सक्यूज मी पार्टी का मैं बाकायदा ऐलान करता हूँ हमारी आज की पार्टी एक्चुअली सेलिब्रेशन है हमारे उस नए चैनल का जो हम म्यूजिक चैनल नया ऑन कर रहे हैं सेट नाइट पर वी आर फाइव पार्टनर्स मिस्टर टोनी सरदार नारायण सिंह सेठ खामखा हम आन मिस्टर नारायण एंड सेठ कुतवाला हम सब मिलकर के एक म्यूजिकल चैनल हम जो है ऑन करना चाहते हैं उसकी पार्टी उसी की ये सेलिब्रेशन है व्हाई नॉट बड़ी गल है अभी बड़ी गल है व्हाई नॉट कि अगर हम अपनी डांसिंग पार्टी का आगाज टोनी कम ऑन एंड प्ले विद मी यो अंग्रेजो कुत्तियो कई बोल रहा आराम से बात करो ए मारा सूर खाने आ ए आराम से एक्सक्यूज मी बिहेव अपना सही करें This is Amro. We are all friends. Okay. Thank you very much. Have a dancing party. Come on. Yes, I'm with us. Yeah. With my wife. Oh yeah. Yo. Thank you very much. इनको ले जाओ और इनका अल्ट्रासाउंड कराओ प्लीज हैव सो आप बैठे आपकी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं है व्हाई नॉट मिस्टर नारायण और मिसेस नारायण राम 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 करेंगे कम ऑन प्लीज डांस विद अस सरदार जी और भाभी जी और पंजाब की सकाफत की गल आ और डांस दा डांस नाले हवा भी लवा ली
म्यूजिक राम म्यूजिक। क्या बात है, राम 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 राम। उधर छोटा भगवान, इधर बड़ा भगवान जी। अच्छा भाई, अपना तुम्हारी जरा स्त्री चाहिए। हमारी क्या बात कर रहा है भाई, हमारी स्त्री हम नहीं देगा। तो स्त्री चाहिए भाई, बस 10 मिनट में फारिग करके वापस कर दो। क्या ऐसी बातें कर रहे भैया, हमारी स्त्री क्यों मांग रहा है? यार तूने तो पीटना शुरू कर दिया, स्त्री मांगी क्या? हम नहीं देगा अपनी स्त्री, अपनी लेके आओ। भाई मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। हम अपनी स्त्री भारत से लेके आया है यार। वो भारत से लेके आए तो इसमें क्या है, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं वापस कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, हम नहीं देगा। हद हो गई, बकवास किया जा रहा है चौकीदार। और भाई मेरी बात सुनो। क्या? तुम ऐसा करो, सिर्फ 10 मिनट दे। ओ भाई नहीं देगा हम अपनी स्त्री, बार बार स्त्री मांग रहा है। ये देखो कैसा आदमी है भाई, हमसे हमारी स्त्री मांग रहा है। तो दे दो स्त्री, मैं तुमको मिस्त्री ला देगा। क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया क्या? हमारी स्त्री मांगी, स्त्री अपनी अपनी लो भैया। अच्छा, सुनो तुम इतना माइंड क्यों कर रहे हो भाई, स्त्री मांगी है तुमसे, क्या चीज मांग रही है? ओ भाई हम नहीं देगा, बार बार स्त्री मांग रहा है। अच्छा ये सिर्फ साथ वाले कमरे में लेके जा। थोड़ी देर के लिए अपनी स्त्री दे, आपसे हमारी स्त्री मांग रहा है यार। स्त्री मांग यार, तुम सारे एक जैसी बातें कर रहे हैं। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? हम क्यों अपनी स्त्री दे, तुम अपनी स्त्री दे दो। मेरे पास होती मैं दे देता भाई, हमारा हम नहीं देगा भाई स्त्री। एक मिनट, मैं आपका जो मसला है वो सॉल्व कर देता हूँ। आप ऐसा करें, इनकी स्त्री ज्यादा गर्म ना करना, तीन पर रख के कपड़े इस्त्री कर लेना, तीन पर। वो पहले क्या बकवास कर रहा है? और यार पहली इस्त्री भी इसी तरह चली है भाई, ज्यादा वोल्टेज आगे चल गई भाई, बाजार से जाके ले आओ, नहीं हम नहीं देंगे। बकवास किए जा रहे हैं यार, माइंड कर रहे हैं। ओ भाई हम नहीं देगा अपनी इस्त्री, बार बार कह रहा है। मार्केट बंद है वरना हम बाजार से ही ले आते, इतना अपनी स्त्री पे मान मत करो। बिजली ज्यादा खर्च होती वरना हमने अपने प्लांट पे कर लेने। भाई कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छा मेरी बात सुनो, ठंडे दिल से ये बात सोचो, ठंडे दिल से। जो भी बात है लेकिन हमें स्त्री नहीं देगा। इंसानियत का तकाजा है कि थोड़ी देर के। क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, क्या मसला है? सर देखिए, क्या इधर आएंगे कि आप कैसे लोग पाल रखे हैं आपने? प्लीज क्या हो, मुझे बताइए। देखिए आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं मेहमानों के साथ? जी बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि क्या हुआ, ठहर जाए। हम आप भारत से अपनी स्त्री लेके आए, ये मांग रहा है मुझसे। स्त्री मांग, स्त्री मांग रहा है, इस्तेमाल करके वापस कर देना। ये ना करना कि रखी लो। नहीं जी नहीं, आपको वापस मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आवे का आवे बिगड़ा हुआ भाई, हम स्त्री क्यों दे? सर श्री अकाल, की होया ना रेडिया, की होया वा? ये हम किसी की गल भी सुन ले ठिबिया। आपको स्त्री का प्रॉब्लम? हाँ आप दे दे कोई ऐसी बात भाई, हम नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आप की होया मेरी स्त्री नु, की होया आप बेचते? अगर नहीं बेचते तो किस्तों पे दे। हमारे यहाँ तो स्त्री किस्तों पे भी मिलती है, उसको मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरूर ना करो। आज जुम्मा है, दुकानें बंद है, वरना तो यहाँ तो हम तो एक दूसरे की स्त्रियां रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बात कर रहा है, मैं स्त्री नहीं दे रहा यार। सही कह रहे हैं, तो किस्तों पे मिलती, बल्कि पठान खुद घर आके देके जाते हैं। वैसे भाई का भी वो तेरी स्त्री नु होया की वा, हम नहीं दे रहे अपनी स्त्री, बार बार स्त्री मांग रहे हैं, अपनी अपनी ले गया। हमारी काली मिर्च जल गया भाई, हमारी स्त्री जो है ना ओवरलोड हो गई, करंट ज्यादा आ गया, उसने कपड़ा पकड़ लिया। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, हम लोग आपस में हैप्पी न्यू ईयर है यार, इस सिलसिले में दे दो। ठीक है, इस तरह नुकसान होगा, वो कहेगा 97 में ली थी और 98 में वापस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है यार, कुछ मेरी स्त्री लाइन भैया, इधर हो जा तू, ऐसी स्त्रियां दे रहा है, हमने कहा ना आप नहीं देगा स्त्री। मुहज्जब पहले कैसे एक्टिंग कर रहे हो, मुंह से बात कर रहे, क्यों मार रहे हो यार? हम नहीं देगा स्त्री यार, ऐसी कौन सी खास स्त्री है, जरा लाके दिखा दो। मैं अभी दिखाता हूँ, जो दुनिया में नहीं मिलती। और ये और तुम लोगों की चिपनेस है ना, उससे मांगे जा रहे हो, यानी कि जाओ मार्केट में
ज्यादा पैसे देके दो स्त्री लाओ। सर आज मार्केट बांधा करना ले आते हैं हमको। बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोगों ने छिचोरा पर लगाया हुआ है? इधर देखो ये हमारी स्त्री। देखो ये ये तुम्हारी स्त्री है? हाँ। माफ करे, अगर ये मुझे मिल जाती मेरी तो प्रेस हो गई थी ना। ओए शुक्र है वाह गुरु जी, मैं स्त्री अपनी नहीं दीती। चलो तो आप दे दो। आप बेफिक्र रहे, हमें मालूम नहीं था कि आप, माफ करना भाभी जी पायला, हमें मालूम नहीं था कि स्त्री आपके वाइफ को कहते हैं, हम तो वही स्त्री समझ रहे हैं। आप स्त्री नहीं मांग रहा हम? नो नो सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इट इज नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे जी, आई एम वेरी सॉरी, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये दूरियों के नतीजे हैं, ये दूरियों के नतीजे हैं कि हम एक दूसरे की जबान को नहीं समझ पाते, इसी वजह से ये गलत फहमी हुई। अगर हम एक दूसरे की जबान को समझते होते तो आज ये शर्मिंदगी ना उठाने चाहिए। आप मैं आपसे अपोलोजाइज, आपसे अपोलोजाइज, ओके नो प्रॉब्लम। हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, करो हैप्पी न्यू फॉर यू। हां यस प्लीज, ये मेरे फादर के डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए खुशखबरी, डॉक्टर बर्नाल्ड, डॉक्टर बर्नाल्ड, आप लोगों के लिए खुशखबरी, मेरे लिए, आपके लिए स्पेशली। क्या आपके वालिद फौत हो गए? My father is dead. Oh, father, where are you? I miss you all the time. Where are you, Papa? I need now. You don't go where at all. I'm alone. I miss you, Papa, all the time. Oh, Papa, oh, Daddy, oh, Papa, oh, baby. My father is dying and I'm alone. I feel lonely. You please go and find out where's my father. I miss him. Oh, oh, oh. सर आपके वालिद की नस्ल क्या थी? तुम्हें ज्यादा पता है, तुम्हारे लोगों के घर में काफी आना जाना था उनका। साथ में वालिद फौत हो गए, जो भी अफसोस करे गा के करे, डांस करके करे, उनको सादा अफसोस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, सफल के तौर पे मेरी ये तरह आप देखें, जो जैसे मैं करूंगा सबने वैसे करना है। ये गाने के जेड़ा भी रोएगा और नाच के गा के, नाच के और गा के, ये कचरा ना प्यो मरया भाई, इस तरह करना है। सबने जाना अल्लाह का, दिल के जाना अल्लाह का, तुम लोगों ने उसकी पिकनिक बनाई है, मेरा फ्यू मरा, इसको एंजॉय मत करो, अब ट्रालान यतीम हुआ है, पापा और डैडी, ओ ओ भाई, बहुत अफसोस हुआ है भैया, आपके अब्बा फौत हो गए। जब भी जाए एक नया भाई।
भाई। Father, and somebody is demanding you to come and show your father. How can I do that? So, because I'm a yatim. Everybody's be a yatim, but I'm very much sad now. Bye. Sir, sir, please, aap sab fix kaam le. Allah me aapko nahi aapko dega. But I don't have mother. How is possible? You want to say something? Yes. Come on. Sakke main jaawa ina to ina de piu mar ke sakke main jaawa ina to ina de piu mar ke jaake jaake niche ko ina nu ameen banke sakke main jaawa ina to Oh my God. Oh my God. Kurke hamara friend ka father mar gaya. Uncha afsos kare. Uncha. Thank you. Thank you. ये तुम्हारा अफसोस निकल जाते हैं। तुम भी अफसोस कर लो, तुम्हारा तो बनता है, तुम्हारा भी तो बाप था, तुम्हारी माँ इधर ही काम करती थी। बाप मर गया तेरा ही तुम्हारे को, बाप मर गया तेरा ही तुम्हारे को, कितना रास्ता है मेरा नजवार को। जब 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 फाइट फाइट। उसका बाप मैं बहुत पंप लगा रहा है। भाई बहुत अफसोस हुआ। के आए बाद में फिर सरदार करेगा।
आप अंदर जाए खवातीन में, मैं यहाँ पे मैयत का अरेंजमेंट कराता हूँ, प्लीज जाए। थैंक यू, सो नाइस। डॉक्टर साहब, आप जाके वाले साहब को मसाला वसाला लगाए, क्योंकि काफी टाइम लगेगा दफनाने में। ओए पिंड इतला कर दियो, मेरे यार दा प्यो मर गया। जल्दबाज जल्दबाज बेटे जल्दबाज, उठान जी, जाओ जाकर के सारे मोहल्ले में इतला करते हो शाम। ठीक है, अब्बा जी को नसवार भी देते हैं। जाओ जाओ बेटा जाओ, नाकाम लाफ्टर मत लो, चले जाओ। माय फ्रेंड, आई नीड सम सजेशन, मशवरे चाहिए, क्योंकि मेरा बाप पर है। मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा वो आदमी था, जनाजा भी वैसा ही हो। मसलन सर, मैं चाहता हूँ कि बी टीवी पे, एम टीवी पे उनका गुस्ले मैयत डायरेक्ट दिखाया जाए, ताकि लोग गुस्ले मैयत को भी एंजॉय करें। आइडिया सर, बिल्कुल ठीक है सर, वो बहुत बड़े आदमी थे और उसी हिसाब से उनका जनाजा भी बहुत बड़ा होना चाहिए। उन्होंने जो भी काम किए बड़े बड़े किए। ये देखिए आप, इधर वाले साहब का काम, ये भी बड़े बड़े काम करते थे। अब्बा, ही वाज अ जीनियस पर्सन। मैं कहता हूँ कि कब्र भी वैसी हो, छाया निशान। तुम ऐसा करो मैनेजर, एक कब्र बनवाओ खुली डुली। अच्छा जी। कोई आने जाने वाले आ जाते हैं, उसे तो किसी सरदार की अम्मी आ जाए मिलने के लिए। वाले साहब आ जाए, मैं बेटे मैं तुम्हें दाद देनी है और लेके। और उसके बाद सारा कबर के इंतजाम ओके करो। ओके सर, और क्या क्या चीज रखनी है सर अंदर? अंदर मुर्दा रखना जी, यानी कि अब्बा जी, अब्बा जी रखें। साथ में कॉफी पीते थे ना। हौसला करें सर, हौसला। तेरा काय का शेर है रोने में, क्या बात है? क्या तेरा मसला क्या है? तू अंदर अंदर क्यों रो रहा है? की गल? वो मेरे यार दा प्यो मरया, मैं रो भी ना। बस तेरे यार दा नहीं बनया, बस खामोश हो गया। मेरे वालिद मरा है, मुझे कम से कम मुझे तो साबित करने दे कि मैं उनका बेटा हूँ। कब्र के अंदर कॉफी पीते थे ना जी, तो कॉफी का थर्मोस कैटल, ठीक है जी, दो बड़े बड़े सिगार। कभी भी हिसाब दिया ना, सिगार पी के दिया सर, वो जन्नत फरिश्ते वगैरह आएंगे ना तो पी के हिसाब देंगे, वैसे वो भूल जाते हैं, अनशन लिखवा देंगे, हम सबको फंसवा देंगे। सर वो मर के जन्नत में तमाश भी नहीं करने देंगे। बेटे बकवास ना करो, मेरे बाप मरा है। सर आप सिगार और कॉफी रख रहे हैं कब्र में? उनका स्टाइल है, उनको सिगार से लगाने में क्या प्रॉब्लम होगी? जाएंगे तो वो गर्म जगह पे। ये तो है, एक वहां हाथ वाला पखा रख दें। क्यों सर, उन्होंने अंदर कबाब बेचने? आप बकवास कर रहे हो, पंखे की क्या जरूरत है? पंखा का मतलब गर्मी है ना भाई। अच्छा, एक एसी लगवा दें जी, ठीक है, अंदर जनरेटर के साथ जी। और ऐसा करें, नौकर को साथ दफना दें, किसी चीज की जरूरत होगी तुम्हारा बाप काम करेगा वहां। सर देखिए, ये बड़ी सख्त ड्यूटी है सर। कोई मसला नहीं है, कोई तुम अपने मुंह बाहर रखना, हाथ अंदर रखना, काम करना। हाँ, तो ये सारा काम सेटअप कर देना। ओके सर। ओके, पापा की कब्र को सही तरीके से बना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें सर, मेरे साथ अपने बाप की तरह समझना उन्हें। जाओ अरेंजमेंट करो, प्लीज गो। आप कुछ मशवरा देंगे आप लोग? हाँ जी, मेरा एक मशवरा है सर, कि वो बड़े आदमी थे, उनको नहलाने का जो तरीका है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि पहले तो आप धनिया और हरी मिर्च की चटनी रगड़ लें और उनके पूरे बालों को लगा दें, उसके बाद नीला थोथा लेके। ये हम बाप बना रहे हैं, शामी बना रहे हैं। देखिए ये एक तरीका है, एक यूनिक तरीका है, अलग से। और उसके बाद आप नीला थोथा ले, तीन दिन में उसमें आप डुबो दें अब्बा जी को। अच्छा जी, तेजाब से उनके पांव धुलवाएं, क्योंकि वो बड़ी आवारा जगह पे जाते रहे। अच्छा जी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते थे? मैं ये तो पीछे भाग भाग के पैसे मांगा करता था यार, बताने दो बताने दो, समझ गए ना? समझ गया, तीन दिन हमने पकड़ रख लिया फिर। हाँ जी, उसके बाद आप उन्हें निकाले और कढ़ाई में तल ले। उनका बाप मरा, तुमने सहरी के पकौड़े लगवा दिए यार, मैं बताता ही नहीं यार। आप कुछ सजेशन? ओए सॉरी ना मार के, मैं तो कहना धोती जी मान के रूड़ी से छूटा। अच्छा है, उनका बाप मरा तुम्हारा नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब्बा मरने के बाद भी अमर रहे, याद रहे। हाँ,
इसके लिए क्या? इसके लिए अब यादगिरी के लिए मैं तो कहता हूँ अब्बा को आधा दफना दे आधा रहने खुद दूसरे मुर्दों को करे वेलकम वेलकम लाइट लगा दे। या फिर दूसरा आइडिया यह है कि अब्बा के अंदर तूड़ी डाल के ना तो उनको अपना गांव में उल्टा बांध दे, ऐसे लटका दे, जो भी आएगा इबरत का निशान। सर क्यों प्रॉब्लम में पड़े हुए आप? मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ कुत्ते मंगवाए, दही डाल के ऊपर छोड़ दे। तेरा मशवरा ना रहने हो। You have any good idea? Yes, मर गया मिट्टी पाओ। मर गया उते मिट्टी पाओ। ये उते क्या मतलब? पहले क्या हमने रजाई पानी थी? My God, you don't have any good idea. Please, ऐसा जान, सिंपल कवर बनवाएं। Okay जी। और मेरे साथ आएं, क्योंकि देखिए बात ये है कि दफनाने के बाद कुलों का अरेंजमेंट भी करना है। बिल्कुल। कुलों के लिए शेल्टन में कह दे, बूफे करवा दे, बूफे। बिल्कुल ठीक। ठीक है? ठीक है। सर कब्र में इतनी सहूलतें हैं, खुदा के लिए मेरे बाप को दफना दे। अरे ये सिख बहुत रो रहा है आपके बाप के मरने पे, ये धारी सिख है क्या? और मेरे यार प्यो मर गया, रहने में अपना भी नहीं देना। प्लीज आप मेरे साथ आइए ताकि रसूमात अदा की जा सके। बात बातें करती हूँ, जाके देखो मिस फौजी आई है कि नहीं। मैं बड़ा क्यों मैं खुआ में बैठ गई हूँ मिस फौजी
को तो पे नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। आजा जी जी, जो भी समझ लें आप। हरा पला बैगी खा कर आपसे बैठा चाहता था। यहाँ ढेर लगा दूं? बिस्मिल्लाह बैगी, ये तो कोई गरीब औरत तो नहीं लग रही मुझे। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं स्टेशन पे मांगती भी हूँ। ए बावी चट्टी जी, इतनी मुख्तसर से चट्टी? हाँ नहीं आई है ना खुली खुली। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाकी की भी आ रही हैं। बैठ जा। आए। बैठ। ये मजलूमी सही मायने की। बहन, जा करना जल्दी करो, मुझे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ये बेचारी मजलूमी, ये तो बड़ी तकलीफ में है। इतनी सी और तो नहीं आना था, और कोई नहीं आएगी? नहीं नहीं और भी हैं। एक और है हमें। अच्छा तो शकुंतला देवी इजहार करेंगी अब। नहीं बहन, तालियां आहिस्ता बजाओ। क्यों? मुझे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ये बिल्कुल सही कह रही है जी जुबैदा। ये तो दो मर्तबा नुसरत फतेह अली की कवाली में गई, खैर से चार बेटे हुए और वो चारों जैसा एक ही है। नहीं, मेरी दफा खुल के तालियां बजाओ, मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो शकुंतला देवी अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। मैं एक नारी हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हमारी बहन पहले से कुछ भारी है, अब मेरे पास तुम्हारी बारी है। और मेरे पास ये क्या बैठी खवारी है। फौजी फौजी, मैंने तुम्हें शरीफ औरतें लाने के लिए कहा था। तो हम शरीफ हैं, डेढ़ डेढ़ किलो शरीफा खाते हैं। नहीं, नहीं। आप हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाए, हमारी शराब पे शक ना करें। हाँ। मैं को जुआ खेलती हुई पकड़ी गई हूँ। बड़ी चतर चलाक औरतें। नहीं बहन, तू आहिस्ता बोल। क्यों? मुझे किसी वक्त भी कुछ। घर कैसे हुआ है? क्यों? घर वालों को तो इस काम का पता ही नहीं। ये तो इस खाना खराब ने छुप के कमेटी डाली। शरीफ हाँ प्लीज, देवी कुछ कह रही है। नारी भगवान की दासी होती है और मेरी बड़ी मासी होती है। हाँ, और चिलगोजों पे पानी पियो तो खांसी होती। प्लीज प्लीज खवातीन अपनी इज्जत करवाइए। कहां से करवाएं? वो कौन सा महकमा है? बदतमीज औरतें। खबरदार, मुझे औरत ना कहना, मैं जंप मार के ऊपर बैठ जाऊं। मैं चाकू मार चुकी, 300 की मुलजिमा हूं। नहीं बहन। हाँ जी। जंप जरा उधर होके मारना। हाँ क्यों भाई? नहीं समझ भी लो। एक्सक्यूज मी जी, मैं आप जरा एहतियात कीजिएगा, मुझे खांसी आ रही है। हाँ तो शकुंतला देवी आप कुछ कह रही थी? ये कहने देंगी तो फिर है ना। कहो ना। नहीं कह लो, नहीं कह लो। और तुम इधर आके मेरे पास आके कह लो। औरतों को छेड़ने वाले मर्द मर्द नहीं राक्षस होते हैं। हाँ
हथियारे होते हैं, हत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद आचार का कारोबार करते हैं। बहुत मुस्तैदी और आवारा औरतें लगती हो मुझे। आवारा आवारा क्या कह जा रही हो, मैं कम फिल्मों के साथ पकड़ी गई हूँ। माई गॉड, तुम खामोशी से नहीं बैठ सकती। प्लीज, हम शरीफ औरतें शरीफ हैं, समझ गए? मैं भी बहुत शरीफ हूँ, ये एक अलग बात है कि मोहल्ले वाले नहीं मानते। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है शराफत का ढेर लगा हुआ है। मेरी बारी है। हाँ। नहीं बहन, मेरी बारी आ गई। बिस्मिल्लाह करो बहन, अल्लाह सबर अता फरमाए। मेरे बाद फिर तुम्हारी बारी है, हम सबकी बारी है। अल्लाह खैर करी, बहन पहुंच जाओ तो खत लिखना। प्यारी बहनों, ये मर्द बहुत जालिम होते हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई। मैं तो कहती हूँ इन मर्दों के पास जाओ और जाके इनका गिरेबान पकड़ के पूछो, मगर ना जाना। क्यों? मैं भी पूछने गई थी। ये पूछने गई थी अब किसी को बताने जैसी नहीं रही। या मेरे मौला, कितों दिया शरीफ ने भी है, दिया शरीफ ने कौन जी ने चाके उतरे। आज तुम तकरीर करो बशीर टैरों वाले। बकवास ना करो, खामोश होकर तकरीर सुनो। जी अच्छा जी, चलो चलो। मेरी प्यारी प्यारी बहनों। जी कदीर भाई, बहुत अच्छा कीता। तो फिर इधर आओ। मेरा मतलब है मेरी अभी शादी ही नहीं हुई। तो इसमें हमारा क्या कसूर, तेरी अपनी सुस्ती है। मैं अभी तक गैर शादी शुदा हूँ और मैं अभी तक गुम शुदा हूँ। बस बहन थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, फिर तुम फारिग शुदा हो जाओ। ये मर्द बड़े जालिम होते हैं। बड़े जालिम, कान में सिगरेट बुझाते हैं। मैं तो रात सोई हुई थी, मेरे कान में चाय डाल के तो बच्चे को रस दे के बिठा दी। बहुत जालिम होते हैं ये मर्द, बहुत जालिम, बहुत ही जालिम होते हैं। और क्या, औरतों को घूम की चक्की में पीसते रहते हैं। हाँ बहन बात सुनो, ये चक्की कहाँ है? इधर है, इधर इधर। चक्की जहाँ भी है चलाना आहिस्ता, मुझे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ये बहुत ही बदतमीज है, कुछ नहीं बोलने देने। मैं नहीं बोलूँगी कुछ। ले चमेली क्या किसी ये पुलिवेशी की इमरत यही लेके आई है ना, नहीं मिस फौजी ही लेके। इससे तकरीर कराना जिसकी सौदा बेचने वाली आवाज है। मैंने तुम्हारा कब सौदा कराया? तो मैं नहीं कह रहा, ये जो बीच में बैठी है फिरोजी कपड़े वाली, कौन सी? ये जो चीर के हाथ में पकड़ा दूंगी, चीर के हाथ में पकड़ा दूंगी। जो तनिया है फिरती, मुंह कितना मासूम है, आवाज देखो इसकी। ठुड्डे मारूंगी जहां से है। तुम ज्यादा ना बोलो, अच्छा आराम से बात करो, इम्तिहानी चूंडी। तुम लोग उनसे जेलस हो, गरीब औरतें हो ना, फटे पुराने बुरके। क्या जेलस हो? शरीफ है तो गरीब है। अभी तुम्हारा स्टाइल अपना लू ना, दो होंडा ले लूंगी। इंग्लिश बोलती, इसको मर्दाना सूट पहना कोचवान लगेगा। तू लड़ना चाहती है, लड़ना चाहती है, आ इधर आके मेरे मुंह पे काट ले। आराम से बैठ जा, सिर्फ दो बंदों की काउंसलर। जालस बदतमीज, चले चमेली आप भी कुछ बहस करेंगी। चल चल, तुम ज्यादा बकवास ना करो, अगर हमारे से मुकाबला करना ना, हाँ। पहले खलील साहब के पैसे वापस करो। अच्छा जो मुंह में आता कह दो। मैं बहुत गंदिया गंदिया गला गड़ांगी तेन, तो हम धो लेंगे। क्योंकि टप हमारे पास है। तू चुप कर जा, मत बोल, तेरे मुंह से बड़ी बदबू आ रही है। अच्छा बाकी गला दे बाद चोड़ दिया, पहले गल दसो।
ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ अब मैं बात करूं, ठीक है? करो। देखो जी, मैं एक गरीब कुड़ी हूँ, ठीक है? और मैं एक शरीफ सी कुड़ी हूँ। मैं भी यही कहती थी। तुम लोग तो कहती हो ना, मैं हूँ। और हर मर्द जो है ना, मुझे अमीर होने के मशवरे देता है। तो जब मैंने इनके मशवरे मान के अमीर हो गई, तो इन्हीं लोगों ने मुझे बदकार कहना। लो जी, मैं हर घर में सफाई करती हूँ, काम करती हूँ। मैंने टपड़ियां फेर फेर के इन लोगों के फर्श तो साफ कर दिए हैं, लेकिन किसी भी मर्द की आंख का मैल साफ नहीं कर सकी। वाह वाह। अच्छी बीबी जी, तुसी भी बोलो। मैं तो भाई तुम लोगों के साथ हूँ। आज के बाद हम हर मर्द की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, ईंट बजाने से पहले बिस्मिल्लाह, ईंट बजाने से पहले ईंट। मैं समझे सी आरू ने ये देख कुर्बान। चलो मैं तो कमेटी लेने जा रही हूँ। बाद मुंह दी बुरका पाड़ना, बड़े बड़े लोकी खुल के सामने आए। एक्सक्यूज मी, निगालिया तुम्हारी मुखबरी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा था ना सर, ये औरतें को मुहाज बना रहे हैं। अगर ये औरतें मुहाज बना लेते और उस रिपोर्टर के साथ मिलकर सारी रिपोर्टिंग कर देते तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तुम ऐसा करो, सारे पार्टनर्स को बुलाओ, हम अभी तय करेंगे कि चैनल की दस्तखत जो होंगे एग्रीमेंट की वो कब होंगे। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। दादी आप क्या करें? बिल्कुल ठीक है, मैं अपने पार्टनर से गल ना करा। पार्टनर यही आएंगे, यही बात होगी सर। बिल्कुल ठीक है, लाख रुपए की गल की थी तू, मनुष आराम। हम लोगों ने एक बात तय करी। क्या? ये जो हम लोग वी आर फोर पार्टनर्स फाइव पार्टनर्स सैटेलाइट के ऊपर, हम पांच मुल्क होंगे। टाइम कितना कितना मिलेगा? भारत को ज्यादा देना चाहिए। भगवान की तस्वीर हर घर में पहुंचनी चाहिए। भैया आपको ज्यादा टाइम चाहिए। टाइम देना है शफा शप 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 शफा शप शप। मकसद कहने का, अगर सबको ज्यादा टाइम चाहिए तो टाइम किसको मिलेगा? मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट को एक बार फिर पढ़ लो, ठीक है सर, उसे फाइनल कर लो ताकि उसमें साइन हो जाए। ओके, आओ मेरे नाम। हमारे साथ फंस जाना, हम तुमको अपने साथ भारत लेके जाएगा। चल वे छोड़ो, पाकिस्तान को पाकिस्तान में क्या रखा है? उधर हमारे पास बड़ा पैसा है, सारा तुम्हारे नाम लगाएगा। पैसा लाएगा? हाँ, हमारे पास बहुत दौलत है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। हमारे पास जो भैंस है ना, वो 5 करोड़ रुपए की है। 5 करोड़? हाँ, उसके फायदे बड़े हैं। वो दूध नहीं देती, अंडे देती है। हम बहुत अमीर है, फ्रिज में जूते रखते हैं। अमीर भी किसी पागल लगने। हमारे पास बहुत पैसा है, पुजारो लेके बीच में दाल चावल लगाते हैं। हमारे पास चलो ना, छोड़ो पाकिस्तान को। ना क्यों पला? वहां जाके सारी चीजें तुम्हारे नाम लगा देगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर हम जाके रहेंगे वो उधर अंग्रेजों के इलाके नहीं, वहां पे जहां कहोगे चले जाएंगे। छोड़ो पाकिस्तान को, ठीक है? पाकिस्तान को छोड़ेंगे, हम आए करेंगे कभी कभी। हाँ, कभी कभी आ जाया करेंगे। मैं तो इस मोटे से बड़ी तंग, ऐसी खान था मेरे माँ प्यो ने ना इसको मेरे लड़ लगा दिया। खुदा की कसम, इतना सोचा था तुम ही मोटा ना हो जाए। नहीं नहीं, हम धूप में रहता है पक्का। हाला ठीक, ठीक है, तेरा मुंह भी बड़ा पक्का है। हाँ, हमें ज्यादा टाइम चाहिए चैनल पे, ठीक है? टाइम से मैं तो आने के लिए साफ लगाऊंगी। इधर मार कितने चल, मैं मुंह तो मेरे पीछे लग आई। अच्छा, हाय हाय, मैं गलत कर रही, मेरी गलत है। सुन, जा अपना काम करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। हाय हाय जानू, मेरी गाली सुन दे क्यों? जानू मेरा ख्याल इसकी लिखी मेरे हाथों है। मैं थोड़ी ना गल करना चाहती हूँ, तुम मेरी गल सुनते क्यों नहीं है? वो गल नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं गड़िया से प्यार ना अपने सरदार जी ने बुलाया, जिन्हें प्यार ना तुम बुला नहीं है मेरा फुटबॉल। हाय खेलो। मैं ना बहुत गल नहीं करनी है। देखो मेरी बात सुनो, तुम प्यार व्यार छोड़ो,
ये सोचो कि सुजुकी और ट्राले का क्या मुकाबला। बस बस मैं की करा हाँ। मेरा तो अड़े दिल ला गया है हाँ? हाँ, तुसे आज करो तुसे मेरे नाल हिंदुस्तान चलवाओ। हिंदुस्तान हाँ। हवा मैंने नहीं जाना। नहीं नहीं चलो ना। नहीं मैं एक दफा गया था हिंदुस्तान अब मुझे भगवान समझ के पूजा शुरू कर दी। कोई बात आई? नहीं नहीं हाँ? गल नहीं मैं कहना चाहनी हां साडे पीछे बड़ी जमीना है जी हां वो तो ढेर सारा पैसा हैगा। अच्छा तुसी साडे लोग ते जाओगे ना तुसी करोड़ों रुपए दे मालिक बन जाओगे। अच्छा मैं अमीर हो जाऊंगा फिर मैं बड़ी सारी गाड़ी लूंगा ठीक हाँ, है हाँ, पर यार वैसे एक शर्त है दिया। क्या शर्त है? यार वैसे थानू ना अपना घर बार अपने दोस्त यार ते मुल्क छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ। वाह मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ दौलत की खातिर। वेरी गुड मैं तेन करोड़पति बना दूंगी। हाँ वेरी गुड चले चलो चले चलो हंसो ना क्यों हाय कितने सफेद दांत है या अल्लाह मुझे पुरुष बना दे। यहाँ यहाँ फिर तरह पुरुष की मौजें लग जाए कभी इधर चले जाए कभी इधर। तेरा नाम पुरुष थी हाँ? जरा अंदर चल मैं फ्लश मार रहा। चलिए आइए चलो गो टेलीविजन स्टेशन बनाना चाहते हैं तू ताकि मालकन बन के बैठे मैं? हर आदमी तेन सलूट मारे ओ मैं ते तेरी खातिर की सोचा तू कवे ते मैं तेरी खातिर आसमान तो सूरज तोड़ के लिया सकदा वा। हां सरदार जी लोग तुसी तारे तोड़ के लाते हैं। ओ जदों बंदे ने इन्ना सफर करना ते कूना वड्डियां वड्डियां शावां ते हाथ पावे। पर सरदार जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मैं तो यहां नौकरी करती हूं साहब जी के पास। ओए छाड़ा तू थोड़ी जी रकम ते नौकरी करदी होनी आ तैनू लेके जाना मैं अमरीका ओथे रज के जहाज उड़ाई। ना मुझे तो जहाज चलाना ही नहीं आता। और जदों रकमा कॉल होनिया तू सब कुछ उड़ा लेना आगे पीछे गड्डियां ही गड्डियां होनिया। पर ये तो बेईमानी नहीं होगी कि मैं अपने साहब जी को बताए बगैर यहां से चली जाऊंगी? ओ छड़ साहब नु ऐ तेनु 4-5 हजार रुपए दे ते मैं तेनु 25 हजार रुपए महीना देना। सच्ची? आहो हां कितने प्यारे हैं ना कितने सोने हैं। लवी बंतो नु आज तक मेरी समझ ही नहीं आई। तो सरदार जी चले चल मेरे नाल आज बंदों ने पैंट कह देना। सर हाँ सर इस एग्रीमेंट को एक नजर देख ले और मुझे बताएं फिर मैं सबसे सिग्नेचर लूं। ये क्या कर रहे सर आप? मैंने नहीं करना ये एग्रीमेंट। क्यों? और ना मैं सैटेलाइट पे कुछ चैनल बनाना चाहता हूँ। क्यों सर? तुमने देखा नहीं अभी चैनल बना नहीं अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं गैर मुल्की आ गए। उन गैर मुल्कियों के आने से अपने लोगों ने क्या किया? वो पाकिस्तान छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए। वो पैसे के लिए लड़की मुझे छोड़ के चली गई। वो नौकर सिर्फ पैसे के खातिर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है ये सिर्फ गैर मुल्कियों के आने की वजह से हो रहा है। मैं अपने लाखों रुपए कमाने के लिए कौम को किसी दाव पर नहीं लगा सकता। अगर हम बाहर के चैनल लाएंगे तो क्या होगा मालूम? ये सारी नेशन बर्बाद हो जाएगी। यहां मुझे एहसास हुआ नहीं चाहिए कोई चैनल जिनके जरिए किसी और का मजहब हमारे घरों में आए और हमारे बच्चे बहक जाए। ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जिनके जहनों में हमारा मुल्क हमारा नेशनलिज्म हमारा मजहब होना चाहिए ये किसी और के मजहब को कैच करेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं पैसे कमाऊंगा मैं सारे चैनल अपने घरों में ले आऊं। क्यों नहीं लाना मैंने कोई चैनल? ये लमा फिक्रिया ये तरक्की नहीं है ये हमारे मजहब पे हमारे कल्चर पे हमला। ये अकल आई है मुझे उतार के फेंक दो मेरी छत के ऊपर से सारे एंटीने। कोई डिश एंटीना नहीं चाहिए मुझे। एक एंटीना लगाओ अपनी छतों पर एक एंटीना ऊपर वाले का एंटीना उसकी नशीलियात को कैच करो। इसी में पाकिस्तान की बका है इज्जत है। ओके सर